السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وحبيبنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لتبلغن في أموالكم وأنفسكم ولتسمعن من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ومن الذين أشركوا أذى كثيرا وإن تصبروا وتتقوا فإن ذلك من عزم الأمور. وعن عبد الرحمن بن أبي فراد رضي الله تعالى عنه أنه قال توضأ النبي صلى الله عليه وسلم يوم فجعل أصحابه يتمسحون بوضوئه فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم ما يحملكم على هذا؟ قالوا حب الله ورسوله. قال عليه الصلاة والسلام من سره أن يحب الله ورسوله أو يحبه الله ورسوله فليصدق حديثه إذا حدث وليؤدي أمانته إذا اؤتمن وليبخل جوار من جاوره أو كما قال عليه الصلاة والسلام. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم. آج کے اس دینی جلسہ کے سبھاپتی صاحب منچ پر اپستھت حضرات علماء کرام نوجوان ساتھیوں بھائیوں بزرگوں اور دوستوں سب سے پہلے میں آپ حضرات کو اپنے دل سے مبارکبادی دیتا ہوں کہ آج کا جو دن ہے دو حیثیت اور دو اعتبار سے یہ بہت اہم دن ہے. ایک رجب کی آج پہلی تاریخ ہے، اس کے بعد بیچ میں شعبان کا مہینہ ہے اور پھر اس کے بعد رمضان کا مبارک مہینہ شروع ہوگا. دین کی محفل ہے، دینی جلسہ ہے. سب سے پہلے ہم اور آپ ایک سنت پر مل کر عمل کر لیتے ہیں. حدیث میں آیا ہے اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت قیمتی ایک بات ارشاد فرمائی،
बल्कि आपने अमल करके दिखलाया, और वो अमल ये है कि जब रजब का महीना शुरू होता था, रजब का चांद जब नजर आता था, तो जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक दुआ बहुत प्यारी की दुआ पढ़ा करते थे, और वो दुआ बहुत शॉर्ट है, बहुत मुख्तसर है। मैं ये चाहूंगा कि उस दुआ को मैं पढ़ूंगा। हजरात उलमाए किराम को तो याद है, उन्होंने यकीनन पढ़ लिया होगा, लेकिन हम में से जिन लोगों ने अब तक ये दुआ नहीं पढ़ी है, मैं पढ़ूंगा। आप हजरात मेरे पढ़ने के साथ वो दुआ पढ़ लीजिएगा, इसलिए कि रिवायत में ये भी आता है अल्लाह के प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मन अहया सुन्नती इंद फसादी उम्मती फलहु अजरु मिअति शहीद। यानी जब उम्मत में बिगाड़ का जमाना आ जाए, फसाद का माहौल पैदा हो जाए, दीन से दूरी होने लगे, लोग दीन से कटने लगे, दीन से हटने लगे, ऐसे मौके पर मेरी उम्मत का कोई भी एक फर्द, कोई भी एक इंसान, प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि मेरी किसी एक सुन्नत को अगर जिंदा करेगा, तो याद रखो उसको 100 शहीद के बराबर सवाब मिलेगा। सुभान अल्लाह। वो सुन्नत चाहे उस पर कोई आलिम अमल करे, चाहे कोई आम आदमी अमल करे, बच्चा बूढ़ा नौजवान मर्द औरत कोई भी अमल करे, एक सुन्नत को जिंदा करने का सवाब 100 शहीद के बराबर। एक सुन्नत मैं अदा करने जा रहा हूं, आप हजरात अगर 100 शहीद का सवाब लेना चाहते हैं तो उस सुन्नत में आप भी शरीक हो जाइए, शेयर कर लीजिए, इंशाअल्लाह हम सबको 100 शहीद का सवाब मिलेगा। वो सुन्नत क्या है? जब रजब का महीना शुरू होता था, रजब का चांद निकलता था, तो अल्लाह के प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक छोटी सी दुआ पढ़ा करते थे। वो दुआ है अल्लाहुम्मा बारिक लना फी रजब व शाबान व बल्लिगना रमजान। छोटी सी दुआ है, मैं आप हजरात से रिक्वेस्ट करूंगा, दरखास्त करूंगा कि मैं एक मर्तबा फिर इस दुआ को पढ़ता हूं, आप लोग भी मिलकर इस दुआ को पढ़ लीजिए, इंशाअल्लाह 100 शहीद का सवाब हमारे और आपके हम सब के नामे आमाल में ऐड हो जाएगा। मैं पढ़ता हूं, अल्लाहुम्मा बारिक लना फी रजब व शाबान व बल्लिगना रमजान। अल्हम्दुलिल्लाह, एक सुन्नत पर हमने और आपने अमल किया। याद रखिए, मामूली अमल है, लेकिन छोटी छोटी बात पर और छोटे छोटे अमल पर अल्लाह और अल्लाह के प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बहुत ज्यादा नेकियों का वादा फरमाया। इब्ने माजा शरीफ के अंदर एक हदीस है, अभी 2-3 दिन पहले मैंने उस हदीस को अपने स्टूडेंट के सामने पढ़ाया था, टाइटल दौरे हदीस की जमात में। एक सहाबी थे हजरत अबू दर गफारी रजी अल्लाह तआला अन्हु। भाई चाय जो है जल्दी पिला दीजिए, और आप लोग ये सिलसिला थोड़ा खत्म कीजिए, चाय पिला दीजिए, लाए हैं, लेकिन जल्दी ये सिलसिला खत्म कीजिए।
तो हजरत अबू दर गफारी रजी अल्लाह तआला अन्हु से अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दो छोटा छोटा अमल बतलाया और उस पर बहुत ज्यादा नेकियां और सवाब मिलने की बात भी फरमा दी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया या अबादर लअन तबदुआ فتعلم آية من كتاب الله خير لك من أن تصلي مئة ركعة اے ابو ذر تم جاؤ کہیں بھی جاؤ کسی کے پاس بھی جاؤ جس کے پاس دین کا علم ہے قرآن پڑھنا جانتا ہے قرآن کا علم اور سکھا ایڈوکیشن جس کے پاس ہے تم جاؤ اور جا کر اس سے قرآن کی ایک آیت سیکھ لو एक आयत का सिक्खा हासिल कर लो। अगर तुमने कुरान की एक आयत को सीख लिया और दूसरे आदमी ने कुरान की आयत को नहीं सीखा बल्कि उसने 100 रकात नफल नमाज पढ़ी, उसको 100 रकात नफल नमाज पढ़ने का जितना सवाब मिलेगा तुमको कुरान की एक आयत सीखने का उससे ज्यादा सवाब मिलेगा। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आगे इरशाद फरमाया या अबादर लअन तबदुआ फतअल्लम बाबम मिनल इल्म उमिला बिही औ लम युअमल खैरुल लका अन तुसल्लिया अल फरका। ऐ अबू ज़र, इब्ने माजा की रिवायत में आपके सामने पढ़ रहा हूं, मेरी बात नहीं है, किसी आलिम किसी मुहद्दिस मुफस्सिर या किसी पॉलिटिशियन की बात नहीं है, हमारे और आपके हम सब के आका जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात है। आप फरमाते हैं ऐ अबू ज़र तुम जाओ किसी के पास जाओ फतअल्लमा बाबा मिनल इल्म और इल्म का कोई एक मसला शरीयत का दीन का कोई भी एक मसला सीख लो, वो मसला चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो, वजू का हो नमाज का हो गुस्ल का हो तहारत और पाकी का हो रोजे का हो या हज का हो, हत्ता के अगर बिजनेस का भी कोई एक मसला दीन का सीख लो, उससे बढ़कर जो बात है वो असल में हमको और आपको सुननी है। आपने फरमाया कि चाहे उस मसले पर तुम अमल करो या अमल ना करो, नेकी अमल करोगे तब तो मिलेगी ही मिलेगी, सवाब अमल करने के बाद तो मिलना ही मिलना है, लेकिन अगर सिर्फ तुमने उस मसले को सीख लिया और कभी उस पर अमल करने का तुमको चांस और मौका नहीं मिला, बस दीन का एक मसला तुमने सीख लिया और सीख कर आ गया और दूसरे आदमी ने मसला नहीं सीखा लेकिन उसने 1000 रकत नफल नमाज पढ़ी, कितना 1000 वक्त होने 1000 रकत नफल नमाज पढ़ने का उसको जितना सवाब मिलेगा दीन का कोई एक मसला अगर तुम सीख लेते हो उससे ज्यादा सवाब तुमको मिलेगा। हम और आप अपना वक्त पारित करके, बड़ा कीमती वक्त है, बिल्कुल आज इंसान के पास पैसे हैं माल है दौलत है सब कुछ अल्लाह ने दिया, लेकिन हमारे और आपके पास ऐसा लगता है कि टाइम और वक्त नहीं, वक्त की बरकत बिल्कुल खत्म हो गई। आप हजरात को मैं धन्यवाद देता हूँ, मुबारकबादी पेश करता हूँ कि अपना कीमती वक्त निकाला है आपने और इस बड़े ही शानदार प्रोग्राम का आपने आयोजन किया है और अपना वक्त निकाल कर यहाँ आए हैं। मैं आपसे दरखास्त करूंगा कि कम से कम कुरान की दो चार आयतें सीख कर, दीन के दो चार मसलों को सीख कर यहाँ से जाना है ताकि हम सब के नामे आमाल में हजारों हजार रकात का सवाब ऐड हो जाए। इंशाअल्लाह हमारी और आपकी कोशिश रहेगी इंशाअल्लाह। एक बात ये है, दूसरी बात ये है, ये तो दीन के एतबार से आज की जो तारीख और आज का डेट है चांद के हिसाब से,
इतना दामी और इतना कीमती दिन है और तारीख है वो मैंने बतलाया। दूसरी तरफ मैं आपको इससे भी ज्यादा मुबारकबादी इस पर पेश करूंगा कि आज का दिन खास तौर पे हमारे नौजवानों के लिए और नौजवानों में भी उन लोगों के लिए जिनकी अब तक शादी नहीं हुई है, स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी का लाइफ उनका गुजर रहा है। आज फरवरी की 14 तारीख है, दुनिया आज के डेट को वैलेंटाइन डे के नाम से जानती है, यौमे महब्बत इसी को वैलेंटाइन डे इंग्लिश की जबान में बोलते हैं, आप लोग ज्यादा जानते हैं। इसकी तारीख और इसकी पूरी हिस्ट्री मुझ जैसे मौलवी से ज्यादा आप लोग जानते हैं। आज मोहब्बत का, प्यार का, प्रेम को जाहिर करने का दिन, और आज के इस दिन में इस गलत काम को जिससे शरीयत ने सख्ती से मना किया है उस गलत काम को छोड़कर और उसकी जगह पर आप हजरात ने दीन का प्रोग्राम और उसका आयोजन किया, यकीनन मैं दिल की गहराई से आप नौजवानों को खास तौर पर मुबारकबादी पेश करता हूँ। एक गुनाह के काम की जगह पर गुनाह के काम को छोड़कर और नेकी का काम आप हजरात कर रहे हैं, आप हजरात के इस काम को, आज के इस प्रोग्राम को और आप तमाम नौजवानों के, खास तौर पे नौजवानों के और जितने लोगों ने इस प्रोग्राम को आयोजन करने में अपना वक्त दिया, अपना दिल दिमाग दिया, अपना पैसा खर्च किया, सफर करके यहाँ आए, सारे लोगों की खिदमत में मैं दिल से मुबारकबादी पेश करता हूँ। अल्लाह ताला आपके इस प्रोग्राम को, आपके इस नेकी के जज्बात को अल्लाह कबूल फरमाए, आपको, आपके घर के फैमिली मेंबर को, तमाम फैमिली मेंबर को अल्लाह ताला बेहतरीन बदला अता फरमाए। अल्लाहुम्मा आमीन। ये दो बात थी, मैं अपनी बात को शुरू करने से पहले आप लोगों के सामने जिसको मैंने रखी, उसके बाद मैं तो आप लोगों के सामने उर्दू और हिंदी में बात कर रहा हूँ। वैसे अपर आसाम का इलाका है और आजकल अब तो ग्लोबलाइजेशन का जमाना है, पूरी दुनिया मुट्ठी में आ चुकी है, लैंग्वेज का, भाषा का प्रॉब्लम मैं नहीं समझता हूँ कि आप हजरात के लिए हो रहा होगा। मेरी बात आप लोगों को समझ में आ रही है या नहीं आ रही है? अगर आ रही है तो बात को आगे बढ़ाई जाए, और अगर नहीं तो फिर किसी आसामी लैंग्वेज में बात करने वाले को मौका दे दिया जाए, वो आपके लैंग्वेज में इंशाल्लाह दीन की बात बताएंगे। क्या किया जाए, मेरी बात हो? चलिए माशाल्लाह, जज़ाकुमुल्लाह। मेरे भाइयों, बुजुर्गों और नौजवान साथियों, आज के इस प्रोग्राम के जो हमारे बहुत ही कीमती मेहमान हजरत शेख अलहाज मौलाना मुफ्ती अब्दुल करीम साहब दामत बरकातुहु, उनका बयान आप हजरात ने जोहर के बाद सुना। मैं कहीं लेटा हुआ था, आराम कर रहा था, बड़ी अच्छी और बड़ी कीमती बातें उन्होंने बयान की, और अमल के लिए अगर इतनी बातें भी हमारी जिंदगी में पैदा हो जाए तो हमारी और आपकी कामयाबी के लिए ये काफी है। हजरत ने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ मोहब्बत और आपके साथ ताल्लुक, संपर्क और फिर दीन को मजबूती से पकड़ने का क्या तरीका है, इस पर लंबी गुफ्तगू की। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम आए हमारे और आपके दिल में किया। मैं आपको बिल्कुल यकीन के साथ कह सकता हूं कि नबी के नाम पर कुर्बान होने वाले आलिम तो आलिम, शेख और हाजी तो हाजी, बड़े बुजुर्ग और बड़े वली तो बड़े वली, अल्लाह के प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम पर कुर्बान होने वाले मुसलमान का वो अदना फर्द और अदना इंसान भी है जिनके दिल में सिर्फ थोड़ा बहुत ईमान पाया जाता हो,
चाहे उसकी जिंदगी पाप में बल्कि महापाप में उसका लाइफ गुजर रहा हो, लेकिन नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम आने के साथ साथ उनके दिल में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अकीदत और आपका अदब एहतराम और सम्मान बहुत ज्यादा पैदा हो जाता है। मैं इसी अपने ही देश और अपने मुल्क के एक कवि एक शायर का छोटा सा वाकया आपको सुनाऊं। हैदराबाद में नवाबों का दौर था, वहां एक बड़े नवाब थे और उसके बंगला में उसके घर में एक उर्दू का कवि और शायर जनाब अख्तर शीरानी वो शेर पढ़ता था। और आम तौर पे जो गायक होते हैं, गाने वाले होते हैं, जो गीत गाते हैं, शेर पढ़ते हैं, आम तौर पे ऐसे लोग ड्रिंक करते हैं, शराब पीते हैं। अल्लाह हम सबकी हिफाजत फरमा। तो अख्तर शीरानी शेर पढ़ता था, गीत गाता था, गाना गाता था, लेकिन उसके साथ साथ वो बहुत ज्यादा शराब भी पीता था, ड्रिंक करता था। एक दिन वही आसपास में एक हाल के अंदर उसने बहुत ज्यादा ड्रिंक किया था, शराब की हालत में था। और उसी मौके पर वहां कुछ दूसरे कवि और दूसरे शायर लोग भी थे, कुछ गैर मुस्लिम लोग भी वहां उस मजलिस में और उस रूप में बैठे हुए थे। क्योंकि अख्तर शीरानी ने ज्यादा ही ड्रिंक कर लिया था और बहुत ज्यादा नशे की हालत में था, तो लोग उसको छेड़ रहे थे और इधर उधर की बातें करके इंजॉय कर रहे थे, मजा ले रहे थे। अख्तर शीरानी से पूछा कि एक फला कवि है, उसके बारे में आप क्या कहते हो? वो कहा वो कुछ नहीं जानता। फला एक्टर है, उसके बारे में आपका क्या आलोचना है? अरे भाई वो तो एबीसी भी नहीं जानता। सबके बारे में यानी बहुत से लोगों के बारे में पूछा, सबको नेगलेक्ट किया और सबके बारे में उन्होंने समालोचना किया, यानी उनकी इज्जत नहीं की बल्कि उनकी बेइज्जती की और किसी को कोई पत्ता नहीं दिया। उस टाइम में एक गैर मुस्लिम आदमी था, उसने सोचा कि बड़ा अच्छा मौका है, अच्छा टाइम है, जरा अभी ये नशे के अंदर है, इसके सामने इसके जो पैगंबर मोहम्मद साहब है उनका नाम लेते हैं। और एक गैर मुस्लिम ने अख्तर शीरानी से उसी वक्त पूछ लिया कि अख्तर साहब, शाही साहब, आप मोहम्मद साहब के बारे में आप क्या फरमाएंगे? मोहम्मद साहब के बारे में सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मोहम्मद साहब के बारे में आप क्या कहेंगे? जब उन्होंने उस नापाक मजलिस में, शराब और ड्रिंक की मजलिस में आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम लिया, तो अख्तर शीरानी का पारा बिल्कुल हाई हो गया, गर्म हो गया और पैर से अपने सैंडल को खोला और किसी का कोई ख्याल नहीं किया और उस सैंडल से उसकी पिटाई शुरू कर दी कि तुमको कैसे हिम्मत हुई? मैं नापाक हो सकता हूँ, मेरे जबान और मेरा मुंह नापाक हो सकता है, मेरा काम और मेरी हरकत गलत हो सकती है, इस नापाकी की हालत में तुमने मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम कैसे लिया? तुमको हिम्मत कैसे हुई कि तुम इस हालत में मेरे नबी के बारे में गलत बात मेरी जबान से कहलवाना चाहते हो? तुम्हारे अंदर ये हिम्मत कहां से आ गई? एक शराब पीने वाला, ड्रिंक करने वाला अपने होश को, अपनी अकल को खो देता है, लेकिन होश को खोने के बाद भी उनके दिल में आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत पाई जाती है, अदब और इहतराम पाया जाता है। उसी रात को अख्तर शीरानी ने अल्लाह के सामने नमाज पढ़ के दुआएं की, तौबा किया और उन्होंने बाद में किताबों में आता है कि उम्रे का वीजा लिया, उम्रा करने के लिए गया, आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोजे पर पहुंचा, रोजे की ज्यारत की,
अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह पेश किया और वहां रो रो कर ये कहा कि ए आका, मुझसे गलती हुई, मुझसे भूल हुई, न मैं ड्रिंक करता, न मैं नशे की हालत में होता और न उस शख्स को नापाक मजलिस में नापाक जबान से आपका नाम लेने की हिम्मत होती। आका, मुझसे गलती हो गई, जिंदगी में कभी ऐसी गलती नहीं होगी, आप माफ कीजिए। उन्होंने सच्ची पक्की तौबा की और आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरबार में तौबा करने के बाद फिर पूरी जिंदगी कभी उन्होंने ड्रिंक नहीं किया और नेकी के रास्ते पर उन्होंने चलना शुरू कर दिया। तो मेरे भाइयों, बुजुर्गों, दोस्तों, माओं और बहनों, हम सबके दिल में हमारे नबी की मोहब्बत है, यकीनन है, और इस मोहब्बत का एक सैंपल और एक नमूना अभी अक्टूबर के महीने में फ्रांस के अंदर जब प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कार्टून शाये किया गया, कार्टून बनाकर और उसको जगह जगह पर उसको लगाया गया, तो पूरी दुनिया के मुसलमान सड़कों पर उतर आए। अगर हमारे और आपके बाप का, दादा का, नाना का अगर ऐसा कुछ होता तो हम एक जबान से एक लफ्ज नहीं बोलते, हम हिम्मत नहीं करते। लेकिन प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान ने गुस्ताखी की, चाहे हमारे अंदर ईमान कमजोर हो या हमारे अंदर ईमान मजबूत हो, हम अपनी जान दे सकते हैं, हम अपना सर कटा सकते हैं, हम अपने घरबारी को कुर्बान कर सकते हैं, हम अपनी औलाद को कुर्बान कर सकते हैं, लेकिन प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी को हम और आप कभी बर्दाश्त नहीं कर सकते। ये बात है या नहीं है? कहीं सिर्फ मेरी है या आप सबकी यही बात है? सबकी यही बात है। मेरे भाइयों, बुजुर्गों और दोस्तों, मैं आप लोगों से आज ये बतलाने की कोशिश करूंगा कि हमारे और आपके दिल में अपने नबी की मोहब्बत, अपने नबी का इश्क और अपने नबी का प्यार कैसे पैदा होगा। हम नबी से मोहब्बत करने वाले कहलाते तो हैं, हम तो कहते हैं कि हम आशिक़े रसूल हैं, दरूद पढ़ा जाता है, हम भी मिलकर दरूद पढ़ते हैं, कोई बारह रबीउल अव्वल की तारीफ आती है, जुलूस निकाल दिया जाता है, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम पर जलसे हम और आप कर लेते हैं, सीरत मजलिस कर लेते हैं, मिलाद महफिल कर लेते हैं। लेकिन कुरान और हदीस की रोशनी में आज मैं ये बताने की कोशिश करूंगा कि नबी की सच्ची मोहब्बत सही माने में हम अपने दिल में अगर पैदा करना चाहें तो वो मोहब्बत कैसे पैदा होगी। मैंने आप हजरात के सामने इसी सिलसिले की हदीस, एक हदीस आपके सामने पढ़ी है। एक सहाबी थे अब्दुल रहमान इब्न अबी कुराद रजी अल्लाह तआला अन्हु, वो कहते हैं एक दिन सहाबी किराम रजी अल्लाह अन्हुम अजमाइन एक जगह पर बैठे हुए थे, तशरीफ रखते थे। उसी टाइम में अल्लाह के प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वुजू के लिए पानी मंगवाया। आपको वुजू करना था, आपने वुजू किया। जब आप वुजू कर रहे थे और आपके बदन का पानी नीचे गिर रहा था, जितने सहाबे किराम रजी अल्लाह अन्हुम अजमाइन वहां बैठे हुए थे, वो लपक लपक कर हाथ बढ़ा बढ़ा कर आपके बदन के पानी को अपने हाथ में ले रहे थे और उस पानी को हाथ में लेकर जैसे हम और आप लोशन अपने बदन में लगाते हैं, तेल मालिश अपने बदन में करते हैं, इसी तरह से सहाबे किराम रजी अल्लाह अन्हुम अजमाइन आपका यूज किया हुआ पानी, इस्तेमाल किया हुआ पानी अपने हाथ में लेकर अपने बदन पर, अपने हाथ पर, चेहरे पर मल रहे थे, लगा रहे थे। जैसे औरतें माँ बहन क्रीम लगाती है, ठंडी का जमाना आता है हम और आप लोशन लगा लेते हैं, इसी तरह से अल्लाह के प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहूँ तो आप हजरात भी कहिएगा, बड़ी नेकी मिलेगी। अल्लाह के प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मा यहमिलुकुम अला हादा, ऐ मेरे सहाबा,
अल्लाह ने तुम लोगों को अकल दी है, दिमाग दिया है, ये क्या तुम काम कर रहे हो? अरे ये पानी है, मैंने यूज किया, जमीन पर गिर गया, तुम इसको क्यों उठा रहे हो? और इसको उठाकर अपने चेहरे में, अपने हाथ में, अपने बदन में, अपने शरीर में, अपने गोभी में लोशन की तरह से इसको क्यों लगा रहे हो? मा यहमिलुकुम अला हाजा। सहाबा किराम रजी अल्लाह अन्हुम अजमईन ने फरमाया, फुकुल्लाही व रसूली, ऐ अल्लाह के प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हम सब आप पर कुर्बान, हमको अकल भी है, दिमाग भी है, हम जानते भी है कि ये यूज किया हुआ, इस्तेमाल किया हुआ पानी है, लेकिन इस पानी को हम अपने हाथ में लेकर अपने बदन में इसलिए लगा रहे हैं ताकि आपके शरीर में लगा हुआ पानी जब हमारे शरीर में लगेगा तो आपकी मोहब्बत हमारे दिल में पैदा हो जाएगी। आपके बॉडी और शरीर का लगा हुआ पानी, टच किया हुआ पानी, जब मैं अपने शरीर में उसको लगाऊंगा तो आपकी मोहब्बत और आपकी बरकत और आपका फैज हमारे अंदर पैदा हो जाएगा। अल्लाह के प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इस तरह से मोहब्बत नहीं हासिल होती। मैंने पानी यूज किया, तुमने उसको अपने बदन पर लगा लिया, मेरी मोहब्बत पैदा हो जाएगी? नहीं। मोहब्बत पैदा करना चाहते हो, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, मन सर्रहु अन युहिब्बल्लाह व रसूला और युहिब्बहुल्लाह व रसूलु, जो आदमी ये चाहता है कि वो अल्लाह से मोहब्बत करे, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करे और अल्लाह भी उससे मोहब्बत करे, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी मोहब्बत करे, दोनों तरफ से अगर कोई मोहब्बत पैदा करना चाहता है तो मैं तुम लोगों को तरीका बतलाता हूँ, यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कह रहे हैं कि इस मोहब्बत को पैदा करने का तरीका मैं तुम लोगों को बताता हूँ कि तुमको तीन काम करना पड़ेगा। तीन काम कर लो, तीन काम करने की आदत डाल लो, कंपल्सरी वो तीन काम अपनी जिंदगी में, लाइफ में उसको दाखिल कर लो, अपनी जिंदगी का रूटीन बना लो, मेरी भी मोहब्बत पैदा होगी और अल्लाह की मोहब्बत ने तुम्हारे दिल में पैदा हो जाएगी। इंशाअल्लाह अमल की नीयत से हम और आप इस तीन काम को सुनेंगे और अल्लाह ताला से ये दुआ भी करें कि अल्लाह ताला इन तीनों कामों पर, तीनों बातों पर हम सबको अमल करने की पूरी पूरी तौफीक अता फरमाए। आमीन। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, नंबर एक, फल यस्तुक हदीसहु इला हत्तका, अगर मेरी मोहब्बत अपने दिल में पैदा करना चाहते हो, पहला काम तुमको जो करना है वो ये कि तुम हमेशा सच बोलो, हमेशा तुमको सच बोलना है। तुम चाहे आलिम हो, चाहे तुम मौलाना साहब हो, हाजी साहब हो, या कोई बिजनेसमैन हो, हत्ता के अगर तुम फार्मर हो, कृषक हो, टीचर हो, पीर हो, मुरीद हो, हाजी हो, कुछ भी हो, अपनी जिंदगी के अंदर और अपनी लाइफ के अंदर सच बोलने को तुम दाखिल कर लो, शामिल कर लो और हराम समझो, कभी भी तुम झूठ नहीं बोलोगे, सच बोलोगे, मेरी मोहब्बत तुम्हारे दिल में पैदा होगी, यकीनन पैदा होगी। सच बोलना है। अल्लाह ताला ने भी कुरान करीम में फरमाया, या अय्युहल लजीन आमनु तक्कुल्लाह व कूनू मअस्सादिकीन, सच बोलने वालों के साथ ताल्लुक रखो, सच बोलने वालों के साथ अपना कॉन्टेक्ट, अपना संपर्क रखो, उन्हीं के साथ उठना बैठना करो, तुम्हारी जिंदगी के अंदर सच्चाई आ जाएगी। सच बोलोगे, बड़ी बड़ी मुसीबत अल्लाह ताला दूर फरमा देगा। झूठ बोलोगे, झूठ बोलकर हो सकता है थोड़ी देर के लिए तुम्हारा काम निकल जाए, लेकिन अल्लाह के प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अस्सिदकु युंजी वल किज़्बु युहलिक, झूठ आदमी को हलाक, बर्बाद कर देता है, सर्वनाश कर देता है, बिल्कुल खत्म कर देता है,
वल किद को युगली। खास तौर पे आप हजरात अपर आसाम के एक ऐसे माहौल और एक ऐसे इलाके में, ऐसे समाज में, ऐसी सिटी में रहते हैं जहां आम तौर पे लोग बिजनेस करते हैं, कारोबार करते हैं या तो फिर सर्विस करते हैं। कारोबार करने वाले, बिजनेस करने वाले, याद रखिए अगर आपने अपने बिजनेस के अंदर, अपने कारोबार के अंदर, अपनी तिजारत के अंदर सच्चाई को दाखिल कर दिया, सच बोलकर आपने कारोबार और बिजनेस किया, तो मैं खुदा की कसम खाकर कह सकता हूं आपके कारोबार में कभी नुकसान नहीं होगा। कभी अचानक, अगर अचानक कभी थोड़ा बहुत नुकसान हो जाए तो उसके बाद आपके कारोबार में लाभ होगा, होगा निश्चित, होगा जरूर होगा। और कारोबार कर रहे हैं जन्नतियों वाला कारोबार कीजिए, ऐसा बिजनेस और ऐसा कारोबार कीजिए कि जिस कारोबार के नतीजे में अल्लाह ताला आपको जन्नती बना दे, जन्नत में आपके लिए जगह और सीट रिजर्व कर दे। वो कैसे होगा? दो ही काम करना है, एक काम तो यही है और दूसरा काम उस रिवायत में जिसको मैंने आप लोगों के सामने पढ़ी है उसमें भी आया है। और बाजाब्ता कारोबार बिजनेस करने वाले बिजनेस मैन से भी कहा गया है, चुनांचे तिर्मिजी शरीफ की एक रिवायत है, التاجر الصدوق الأمين مع النبيين والصديقين والصالحين। और कमा قال عليه الصلاة والسلام, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि कोई बिजनेस करता है, कोई तिजारत करता है और वो जन्नत में जाना चाहता है तो अपनी तिजारत के अंदर दो काम कर ले। التاجر الصدوق الأمين, नंबर एक, सच्चाई के साथ तिजारत करो, झूठ मत बोलो, सच बोलकर अपना कारोबार करो, सच बोलकर अपना माल सेल करो, सच बोलकर बिजनेस करो। और नंबर दो, अमानतदारी के साथ, अमानत में खयानत नहीं करना है। जैसा माल है, जैसा सामान है, जैसी उसकी प्योरिटी है, उस हिसाब से बदला दिया जाए। कस्टमर को लेना होगा ले लेगा, नहीं लेना होगा नहीं लेगा, अल्लाह दूसरा कस्टमर आपके पास भेजेगा, जरूर भेजेगा। हमारा और आपका हाल क्या है? हम और आप चूंकि माल के हो गए लालची, हमको चाहिए हर वक्त माल। माल कहां से आएगा? चाहे हलाल तरीके से आए या हराम तरीके से आए, सच बोलकर आए या झूठ बोलकर आए, बस हमको माल ही चाहिए। आप लोगों के दिल में ये ख्याल आ सकता है कि मौलाना साहब आज तो पूरी दुनिया झूठ की दुनिया हो गई है, पूरी दुनिया झूठ की हो गई है और बगैर झूठ बोले हुए हम अपना कारोबार नहीं कर सकते। और इस मोबाइल ने तो 100% अगर कहा जाए तो गलत नहीं होगा, इस मोबाइल ने 100% लोगों को झूठा बना दिया। तो मौलाना साहब ये 1400 साल पहले की बात आप बता रहे हैं, आज हम सच बोलकर कारोबार नहीं कर सकते, झूठ बोलना भी पड़ेगा। अगर हमारा और आपका ये यकीन है, हमारा और आपका अगर ये एतिकाद है, तो इसका मतलब है कि हमारे और आपके दिल में नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सच्ची मोहब्बत नहीं है। दावत और तबलीग के साथ ही खास तौर पे वो हजरात नाम जानते हैं, पड़ोसी मुल्क के एक बहुत बड़े सिंगर थे शुरू में, बाद में दावत के काम से जुड़ गए, जनाब जुनैद जमशेद साहब रहमतुल्लाह अलैह। जुनैद जमशेद साहब पहले बड़े सिंगर थे और यूरोप कंट्री में जाकर वो सिंगर का काम करते थे, गाने का काम करते थे, करोड़ों करोड़ वो एक रात में कमा लेते थे। हजरत मौलाना तारिक जमील साहब दामत बरकात, उनकी मेहनत और अल्लाह का फजल, अल्लाह ने उनको हिदायत दी, गाने बजाने का काम छोड़ा और उसके बाद वो दावत और तबलीग के काम में लग गया। दावत और तबलीग के काम में लग गया, जो आदमी एक रात में लाखों डॉलर कमाता था, अब वो अपने कंधे में एक बैग लेकर
अपने हाथ में दावत और तबलीग की किताब लेकर कभी इस गांव में, कभी उस गांव में, कभी इस शहर में, कभी उस मुल्क में जा रहा है। कारोबार बिल्कुल, बिजनेस खत्म हो गया, बिल्कुल बिजनेस खत्म हो गया। वहां के एक बहुत बड़े आलिम जो एक वक्त पूरे मुल्क के चीफ जस्टिस भी थे, उनके पास उन्होंने लेटर लिखा कि हजरत मैं तो सिंगर था, मैं गाना गाता था, इंग्लिश गाना गाता था और लाखों डॉलर में एक रात में कमाता था। अब तो हमारी सारी आमदनी और इनकम का सोर्स बिल्कुल खत्म हो गया। अब मैं बिजनेस करता हूँ, बिजनेस में मैं आगे नहीं बढ़ सकता हूँ, मैं क्या करूँ। तो बड़े मौलाना साहब ने उनको कहा कि देखो तुम कारोबार करो, और कारोबार के अंदर दो बात जो हदीस के अंदर है उस पर अमल करो, और एक बात और तुम अपनी जिंदगी में, लाइफ में दाखिल कर लो, इंशाअल्लाह कारोबार में, बिजनेस में लाभ होगा। जो हदीस में है वो तो ये है कि बिजनेस करना है, कारोबार करना है सच बोलकर, झूठ बोलकर तुम अपना बिजनेस और कारोबार मत करो, और नंबर दो खयानत मत करो, अमानतदारी के साथ अपना कारोबार करो। इन दोनों बातों पर अमल करते हुए अपना बिजनेस और कारोबार करना है, और उसके बाद एक छोटा सा काम तुम करो, वो काम ये है कि तुम अपना एक रूटीन बना लो, सिस्टम बना लो, बिजनेस का निजाम बना लो कि हमारा जितना भी लाभ होगा, जितना भी इनकम होगा, उसमें से 1% या 2% अल्लाह के नाम के लिए मैं निकाल दूंगा। 1% 2% अगर इतना भी नहीं हो सकता है, 0.5% यानी क्या बोलते हैं 0.50 बिल्कुल 0.5% तुम अल्लाह के नाम के लिए निकाल दो। ये तुम आज से इसका अज्म कर लो, इरादा कर लो, और देखो बेईमानी नहीं करना है, अल्लाह देख रहा है। 100 रुपये कमाया तो तुम 50 पैसा निकाल देना, 200 रुपये इनकम होगा 1 रुपये निकाल देना, 1000 का अगर इनकम होता है 5 रुपये अल्लाह के नाम पर निकाल देना, देखोगे तुम्हारे कारोबार में लाभ होता है, इनकम होता है या नहीं। मौलाना जुनैद, ये जनाब जुनैद जमशेद साहब 2006 में जब मैं हज के लिए गया था तो वहां ये मक्के के अंदर 1 नंबर गेट के पास ही मेरा होटल था, मैं बंबई के एक ट्रेवल से गया था, उन्होंने जुनैद जमशेद साहब को वहां पर बुलाया था और उनसे एक बयान करवाया था, तकरीर करवाया था। उस मौके पर पता चला और किताबों में पढ़कर भी मालूम हुआ कि जब से उन्होंने सच बोलकर और अमानतदारी के साथ और अल्लाह के नाम पर एक हिस्सा अपने माल का निकालना शुरू किया तो उनके कारोबार में, उनके बिजनेस में जितने का वो ख्याल करते थे, जितना वो सोचते थे, अल्लाह उससे भी ज्यादा उसको इनकम देता था और उसके कारोबार में लाभ होता। और अगर हम और आप ये सोच लें कि हमको माल ही चाहिए, चाहे जैसे मिलो, जैसे हमारे यहाँ के एक मौलाना साहब कहते हैं कि एक गरीब आदमी था, कृषक, खेती करने वाला, वो हल चला रहा था, खेत में हल जोत रहा था, हल चलाते हुए उसको एक पत्थर मिल गया, डायमंड मिल गया। वो बेचारा गरीब आदमी, किसान आदमी, जब उसको दामी पत्थर मिला वो नहीं समझ पाया कि ये क्या है, उसके ऊपर में माटी लगा हुआ था, धूल लगा हुआ था, बगल में एक नदी था, चला गया वहां और जाकर उसने साफ किया उसको, उस पत्थर को साफ किया, साफ कर रहा था और वो पत्थर पानी में चला गया पानी में। बहुत उसको तलाश किया, ढूंढा, लेकिन नहीं मिला। अब एक गरीब आदमी जिसको खाने पीने के लिए भी नहीं मिलता, उसको इतना दामी डायमंड मिला था और उसकी गलती के कारण वो डायमंड लॉस हो गया, बर्बाद हो गया, उसका दिमाग बिल्कुल काम करना बंद कर दिया, दिमाग आउट हो गया और वो सोचने लगा और अपनी जबान से कहने लगा कि धोने से न धोना अच्छा, अगर मैं नहीं धोता उसको तो वो डायमंड मेरे पास रहता, मैं उसको लेकर मार्केट में जाता, लाखों लाखों की आमदनी मुझको होती और बहुत मैं मालदार हो जाता। अब उसका दिमाग मौत हो गया था, जबान से मुख से कुछ नहीं निकलता था,
खाली वो यही कहता था, धोने से ना धोना अच्छा, धोने से ना धोना अच्छा। किसी तरह से गिरते पड़ते घर पहुंचा, बीवी थी घर में, वाइफ थी घर में, अपने हस्बैंड से देखा, उसको देखकर पूछा क्या हाल है, आज बड़ी जल्दी आ गए, क्या हुआ? तो हस्बैंड कहता है धोने से ना धोना अच्छा। भूख लगी है, हस्बैंड कहता है धोने से ना धोना अच्छा। खाना खाएंगे, वो कहता है धोने से ना धोना अच्छा। बस उसकी जबान से और कुछ निकलता ही नहीं, दिमाग काम ही नहीं कर रहा। बाद में उसकी वाइफ ने एक डॉक्टर को बुला के लाया कि देखो मेरा पति, मेरा स्वामी, मेरा हस्बैंड को क्या हो गया, इसका इलाज कर दो, इसको कुछ मेडिसिन और दवाई दे दो। डॉक्टर ने देखा, देखने के बाद समझ गया कि ये किसी टेंशन में है, कोई डिप्रेशन का ये शिकार हो गया है, कोई चिंता इसके दिल दिमाग पर सवार है, इसको नींद की, सोने की एक गोली दे दूंगा, वो गोली खाएगा, 3-4 घंटा 5 घंटा आराम से सोएगा, इसका टेंशन खत्म हो जाएगा, बाद में इसका दिमाग सही हो जाएगा। उसको एक गोली दिया, खाया, खाने के बाद उसको नींद आई, कई घंटे तक वो सोया रहा। बाद में जब सोकर उठा तो उसकी वाइफ ने खाना वगैरह खिलाया और बाद में उसको पूछा कि आपको आज क्या हो गया था, आप खेत से हल जोत कर आए और उस टाइम में मैंने पूछा तो आप कुछ नहीं बोलते थे, आप सिर्फ कहते थे धोने से ना धोना अच्छा, धोने से ना धोना अच्छा, क्या हो गया था आपको? वो वाकया और वो घटना जिसको वो भूल गया था, दिमाग से निकल गया था, जब वाइफ ने याद दिलाया तो पूरा घटना और पूरा वाकया अपनी वाइफ को बताया। मर्द को माल से जितनी मोहब्बत होती है, औरत को, लेडीज को उससे भी ज्यादा मोहब्बत होती है। मर्द को जितना माल चाहिए, लेडीज को उससे भी ज्यादा माल चाहिए। तो लेडीज ने, उसकी वाइफ ने जब सुना तो उसको तो और ज्यादा टेंशन और चिंता हुआ। उसकी जबान से और उसके मुख से ये निकला कि सुनने से ना सुनना अच्छा। मैं नहीं सुना था तो कोई टेंशन नहीं, अब मैं सुन लिया तो और टेंशन हो गया। अब वो स्वामी और उसका शौहर कहता है धोने से ना धोना अच्छा, और बीवी कहती है सुनने से ना सुनना अच्छा। उसका चचा दौड़ के आया, डॉक्टर को पकड़ के लाया, 2 थप्पड़ लगाया, तुमने एक आदमी का दवाई किया था, इलाज किया था, एक आदमी को तुमने मेडिसिन दिया था, कैसा मेडिसिन दिया कि एक की जगह पे दो बीमार हो गया। अच्छा, वो डॉक्टर जब इलाज करने के लिए आया था तो उसने उस औरत से, लेडीज से कहा था कि देखो गारंटी मैं इलाज करूंगा, ये सही हो जाएगा तो मुझको 1,000 रुपये देना पड़ेगा। उस लेडीज ने कहा कि देखिए अभी तो मेरे पास 500 रुपये हैं, अगर आपको अभी चाहिए तो 500 रुपये दूंगा, और अगर बाद में चाहिए तो मेरा जो स्वामी, मेरा जो शौहर है वो बाद में काम करके लाएगा तो 10 दिन के बाद में 1,000 तुमको दे दूंगी, किंतु अभी मैं दूंगी तो 1,000 नहीं 500 रुपये दूंगी। जब वो डॉक्टर आया और डॉक्टर ने देखा कि एक बीमार था अब 2 बीमार हो गया, तो डॉक्टर ने ये कहना शुरू किया कि उधार से नकद अच्छा। अगर मुझको नकद मिलता तो 500 मिल जाता, उधार की लालच में मैंने 500 रुपये नहीं लिया, अब तो वो 500 रुपया भी नहीं मिलेगा, 500 गया, 1,000 भी गया, 1,000 तो गया ही गया, 500 भी गया। उसको भी माल की मोहब्बत थी, उसकी जबान से और उसके मुख से निकल रहा है उधार से नकद अच्छा। तो एक मर्द कह रहा है, क्या कह रहा है, धोने से न धोना अच्छा, एक औरत कह रही है सुनने से न सुनना अच्छा, और डॉक्टर कह रहा है उधार से नकद अच्छा। माल की मोहब्बत ने एक आदमी की जगह पे 3 आदमी को पागल जैसा बना दिया। तो हमारे और आपके दिल में भी अगर माल की ऐसी ही मोहब्बत हो तो मेरे भाइयों फिर सच बोलने पर यकीन और विश्वास नहीं होगा, विश्वास नहीं होगा, बल्कि नमाज भी पढ़ेगा, दावत और तबलीग का भी काम करेगा, मौलवी मुल्ला भी होगा, हदीस भी पढ़ाएगा, और फिर भी वो झूठ बोलेगा, झूठ बोलकर कारोबार करेगा, अपनी बीवी के साथ झूठ बोलेगा, अपने बच्चों के साथ झूठ बोलेगा, गार्जियन है तो फैमिली मेंबर के साथ झूठ बोलेगा, औरत है तो अपनी शौहर के साथ झूठ बोलेगी। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम का एक वाकया है,
उनके साथ उनका एक स्टूडेंट था, एक खादिम था, वो कहीं जा रहा था। कुछ दूर जाने के बाद उनको भूख लगी, खाने की जरूरत पड़ी, तो ईसा अलैहिस्सलाम ने कहा अपने नौकर से, खादिम से, कि भूख लगी है, सामने बाजार है, मार्केट है, तुम्हारे पास अगर कुछ पैसा है तो जाओ और जाकर रोटी लेकर आओ। उस खादिम ने, नौकर ने कहा कि हुजूर मेरे पास तो 2 रुपया। ईसा अलैहिस्सलाम ने अपने पॉकेट में हाथ डाला, उनके पॉकेट में 1 रुपया था, कहा ये 1 रुपया मेरा और 2 रुपया तुम्हारा, जाओ और दुकान से, होटल से जाकर रोटी लेकर आओ। उसका नौकर और खादिम रोटी लेने के लिए गया, 3 रुपये में 3 रोटी मिली। एक नबी का खादिम है, नबी का मुरीद है और एक नबी के साथ में जिंदगी गुजार रहा है, लेकिन उसकी सोच कितनी घटिया और कितनी गंदी है। जब उनको 3 रुपये में 3 रोटी मिली, लेकर आ रहा था, रास्ते में ख्याल आया कि मैंने तो 2 रुपये लगाया और मेरे हुजूर ने तो 1 रुपया लगाया है, अब मैं रोटी लेकर जाऊंगा 3, मैं 1 खाऊंगा और मेरे जो सर है नबी साहब है वो भी 1 रोटी खाएंगे, बाद में 1 रोटी बच जाएगी तो 50-50 हो जाएगा, मेरा रुपया लगा 2 और मुझको रोटी मिलेगी 1.5। ईसा अलैहिस्सलाम का रुपया लगा 1 और उनको रोटी मिल जाएगी 1.5। उनको तो उनके माल से ज्यादा रोटी मिलेगी और मुझको मेरे माल से कम रोटी मिलेगी, अब क्या किया जाए। तो उन्होंने उपाय लगाया, रास्ते में आ रहा था, पैकेट को फाड़ा और फाड़ कर 1 रोटी निकाला और रास्ते में खा लिया। ईसा अलैहिस्सलाम के पास आया, ईसा अलैहिस्सलाम ने पूछा कि बेटा कितनी रोटी मिली, वो तो नबी थे, अल्लाह ने उनको बता दिया था नबी थे, उन्होंने पूछा कितनी रोटी मिली 3 रुपये में, कहा हुजूर 3 रुपये में 2 रोटी मिली। ये नागरा शहर बहुत कीमती कॉस्टली शहर है, यहाँ बहुत दाम लेता है, 3 रुपये में 2 रोटी मिली। अच्छा 2 रोटी मिली, चलो 1 तुम खा लो 1 हम खा लेते हैं, खा लिया। आगे बढ़े, कुछ दूर जाने के बाद एक नकदी आ गया सामने से, झूठ बोला था, 3 रोटी थी 2 रोटी बताया। एक नकदी सामने आ गई, नकदी में बहुत पानी था, उस नौकर ने, खादिम ने कहा कि हुजूर नकदी के उस पार कैसे जाएंगे, ये तो बरहम पुत्र नदी है, बहा के ले जाएगा, हम लोग बहकर चाइना चले जाएंगे, ये बांग्लादेश पहुंच जाएंगे, हमारी जान तो खतरे में, कैसे होगा। ईसा अलैहिस्सलाम नबी से, उन्होंने कहा बेटा घबराओ मत, मैं आगे आगे चलूंगा और तुम मेरा दामन पीछे से कपड़ा पकड़ लेना, पीछे पीछे तुम आना, अल्लाह ताला नदी पार करा देगा। चुनांचे ईसा अलैहिस्सलाम ने ऐसा ही किया, नदी के अंदर दाखिल हुए, अल्लाह ताला ने पानी को रोक दिया और ईसा अलैहिस्सलाम का कपड़ा पकड़ कर उनका खादिम दोनों एक तरफ से, एक साइड से दूसरे साइड आराम से चले गए। जब नदी पार कर लिया तो ईसा अलैहिस्सलाम ने उनसे पूछा कि बेटा बताओ कोई कष्ट हुआ, कोई तकलीफ हुई, कोई परेशानी हुई। उन्होंने कहा हजरत परेशानी तो नहीं हुई, ये जो आपकी करामत और आपका मुजेजा और आपका इतना बड़ा अमल, आज तक मैंने ऐसी करामत, ऐसा मोजेदा और इतना बड़ा अमल कभी नहीं देखा था, आपका ये काम देखकर मेरे दिल में ईमान मजबूत हो गया, मेरा ईमान बिल्कुल शक्तिशाली हो गया, मेरा ईमान पहले कमजोर था, अब बिल्कुल मेरा ईमान मजबूत हो गया। जैसे 3 चिल्ला लगाकर आते हैं, 1 साल लगाकर आते हैं, ईमान मजबूत हो जाता है, ईमान मेरा बिल्कुल मजबूत हो गया। क्या सही बोल रहे हो या झूठ बोल रहे हो, कहीं अगर बिल्कुल मैं सही बोल रहा हूँ। ईसा अलैहिस्सलाम ने पूछा अगर ईमान मजबूत हो गया तो बेटा बताओ रोटी कितनी थी, रोटी कितनी थी, ईमान मजबूत हो गया। मौलाना साहब है, हदीस पढ़ाकर आए हैं, दावती साथी है, चिल्ला लगाकर आए हैं, ईमान मजबूत हो गया, रोटी कितनी थी। कहता है हजरत रोटी तो 2 ही थी, रोटी तो 2 ही थी। अच्छा कोई बात नहीं, अगर रोटी 2 थी तो चलो आगे गया। आगे जाने के बाद फिर भूख लगी, खादिम ने कहा हजरत हम तो आगे नहीं जा सकते हैं, भूख से बिल्कुल परेशान,
कुछ खाना चाहिए। ईसा अलैहिस्सलाम ने कहा कोई बात नहीं, बैठो खाना मिलेगा। वो सामने से हरिन जा रहा था, 10-20 हरिन सामने से, हरिन को क्या कहते हैं, हरिन जा रहा था। ईसा अलैहिस्सलाम ने उंगली से इशारा किया। अल्लाह ताला ने ईसा अलैहिस्सलाम को शक्ति दिया था, वो किसी भी जानवर को अपने हाथ से अगर जानवर बनाते थे, परिंदा बनाते थे, पाकी मैना बनाते थे और उसमें थूक मारते थे तो वो बिल्कुल उड़ने लगता था। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने एक हरिन के तरफ इशारा किया, वो हरिन वहां पर आ गया। आने के बाद ऑटोमेटिक उसका गोश्त, उसका मीट बिल्कुल पक कर खाने के लायक और बिल्कुल तैयार हो गया। ईसा अलैहिस्सलाम ने भी खाया और उनके चेला ने, खादिम ने भी खाया, पेट भर के खाया। खाने के बाद बड़ी बात यह है, खा लेने के बाद ईसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने ये शक्ति दिया था कि किसी मुर्दा को, मरे हुए आदमी को, मरे हुए जानवर को अगर वो कहते थे तुम बिज़्निल्लाह, अल्लाह के नाम पर उठ जाओ, जिंदा हो जाओ, तो वो जिंदा हो जाता। कुरान ने भी बयान किया, लंबा घटना मैं नहीं बताऊंगा। तो ईसा अलैहिस्सलाम ने हरिन की तरफ इशारा किया और कहा तुम बिज़्निल्लाह, ऐ हरिन अल्लाह का नाम लेकर उठो, जिंदा हो जाओ। वो हरिन जिंदा हुआ और जिधर से आया था दौड़ देके उधर ही चला गया। जब इस घटना को देखा तो ईसा अलैहिस्सलाम के खादिम ने, उस नौकर ने कहा कि हजरत आज तो मेरा दिल ईमान के नूर से बिल्कुल एकदम जल रहा है, मेरे दिल में ईमान की लाइट और ईमान का प्रकाश, ईमान का नूर बहुत ज्यादा पैदा हो गया। ईसा अलैहिस्सलाम ने कहा सच बोल रहे हो या झूठ बोल रहे हो? कहा हजरत मैं बिल्कुल सच बोल रहा हूँ। कहा अच्छा, अगर दिल में ईमान मजबूत हो गया, ईमान का नूर भी पैदा हो गया और तुम सच बोल रहे हो तो अब बताओ रोटी कितनी थी, रोटी कितनी थी? बोला हजरत रोटी तो दो ही, रोटी तो दिल्ली निजामुद्दीन में टाइम लगा के आया, तरतीब के साथ चल रहे हैं, पांचों वक्त पाबंदी से नमाज, हम और आप भी हो सकते हैं, मौलाना साहब भी हो सकते हैं, हज करके आए, उनका भी ये हाल, रोटी तो दो भी थी। कहा चलो कोई बात नहीं। आगे गया, जाने के बाद एक पहाड़ था, पहाड़ के नीचे में ईंट का तीन, सोने का तीन ईंट मिला, सोना का तीन ईंट मिला। ईसा अलैहिस्सलाम ने कहा देखो ये सोने की ईंट है, लाखों रुपया इसमें मिल जाएगा, हाँ तीन ईंट है, आदमी दो है, इसको कैसे तकसीम करेगा? तकसीम करने का एक ही सिस्टम है कि जिसने दो रोटी खाई थी उसको दो ईंट मिलेगी और जिसने एक रोटी खाया था उसको एक ईंट मिलेगी। फौरन कोई देर नहीं लगा, एक जर्रा देर नहीं लगा, खादिम ने कहा हजरत मैं तो झूठ बोला, रोटी तीन थी, मैंने दो खाया था, एक आपको दिया था। माल मिलना चाहिए, चाहे झूठ बोलकर मिले चाहे सच बोलकर मिले, हज करके आया फिर भी झूठ बोल रहा है, जिल्ला लगाकर आया फिर भी झूठ बोल रहा है, हदीस का सबक पढ़ाकर आया फिर भी झूठ बोल रहा है, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस पर यकीन नहीं है। याद रखिए अल्लाह ने किस्मत में, तकदीर में जितना लिखा है उतना मिलेगा, मिलकर रहेगा, यही तीन ईंट। इसके बारे में खादिम ने कहा कि मैंने दो रोटी खाई थी, मुझको दो ईंट मिलना चाहिए। ईसा अलैहिस्सलाम ने कहा तू बड़ा बेईमान है, तू झूठ बोलता है, तू मेरे साथ नहीं रह सकता, दो नहीं ये तीनों ईंट मैं तुमको देता हूँ, लेकर जाओ और मेरे साथ रहने की तुमको इजाजत और अनुमति और परमिशन नहीं है। वो तीनों ईंट लिया, खुशी खुशी से जा रहा था, सामने से तीन डाकू आ रहा था। डाकू ने देखा कि ये गरीब बच्चा और ये तीन ईंट, सोने की ईंट लेकर जा रहा है। तीनों ने मिलकर उस पर हमला किया, वार किया और उसको जान से मारा, जान से मारकर तीनों ने एक एक ईंट ले लिया। उसके बाद बहुत खुश है, बहुत खुश। उन लोगों को भूख लगी थी, दो आदमी वहां पर बैठा और एक से कहा जाओ और जाकर तुम खाना लेकर आओ, खाना खाएंगे मस्ती से, शराब पिएंगे, ड्रिंक करेंगे, उसके बाद घर जाएंगे। एक आदमी खाना लाने के लिए गया और दो आदमी वहीं पहाड़ के बगल में बैठ गया।
जब वो आदमी खाना लेने के लिए गया तो इन दोनों ने प्लान बनाया कि वो तो खाना लाने के लिए गया है, जब वो खाना लेकर आएगा तो जैसे ही वो खाना रखेगा हम दोनों मिलकर उस पर हमला करेगा और दोनों मिलकर उसको जान से मार देगा, उसकी एक ईंट 50-50 हम लोग कर लेंगे। ये उन दोनों ने प्लान बनाया। और जो आदमी खाना लाने के लिए गया था उसने पहले वहां पर पेट भर के खाना खाया, और खाना खाकर जब वो रिटर्न आ रहा था खाना लेकर, तो उसके दिमाग में उसने अपना एक प्लान बनाया कि ये खाना है मैं तो पेट भर के खा चुका हूँ, थोड़ा सा पीस ले लेता हूँ, जहर पॉइजन ले लेता हूँ, इस खाने में मैं मिला दूंगा, मैं ये खाना लेकर जाऊंगा, वो दोनों आदमी खाएगा, खाने के बाद वो मर जाएगा, वो दोनों ईंट मुझको ही मिल जाएगी, मैं सोने के 3 ईंट का मालिक बन जाऊंगा। हाय हाय, अल्लाह का क्या करिश्मा होता है, और अल्लाह के कारीगरी को कौन जानता है, अल्लाह ने क्या लिखा है, किसकी किस्मत में क्या लिखा है। वो लेकर आया, जैसे ही उसने खाना रखा दोनों ने मिलकर उस पर वार किया, हमला किया, गोली से, ये क्या बोलता है, तलवार से, तीर से, जिससे भी हो, बहरहाल उसको जान से मार दिया। मारने के बाद उसका ईंट आधा आधा करना है, खाना खाया, दोनों ने खाना खाया, खाने में तो पॉइजन डाला हुआ था, विष और जहर डाला हुआ था, खाना खाने के साथ साथ वो दोनों आदमी भी मर गया। ईसा अलैहिस्सलाम जहां काम करने के लिए गए थे, अपना काम करके जब वापस आए, उस पहाड़ के बगल में आए, तो उन्होंने आकर देखा कि 3 ईंट, सोने की 3 ईंट रखी हुई है, और 4 डेड बॉडी वहां पर पड़ा हुआ, 4 डेड बॉडी वहां पर पड़ा हुआ है। मेरे नौजवान साथियों, लाख मेहनत कर लो, लाख कोशिश कर लो, ईमाने मुफस्सल मकतब में बच्चे पढ़ते हैं, आप लोगों ने भी बचपन में, ये हमारे हजरत मौलाना मोइनुद्दीन साहब ने आप लोगों को मकतब में पढ़ाया था, आमंतु बिल्लाही व मलाइकतिही व कुतुबिही व रुसुलिही वल यौमिल आखिर वल क़द्र खैरिही व शर्रिही मिनल्लाहि तआला, वल क़द्र खैरिही व शर्रिही मिनल्लाहि तआला। अच्छी और बुरी तकदीर, हम अपना भाग, अपनी किस्मत, ये हमारे हाथ में नहीं है, बल्कि ये तो अल्लाह के कब्जे में है, हमारी तकदीर और हमारी किस्मत का फैसला तो अल्लाह ने कर दिया। 24 घंटा अगर आप हाय माल हाय दौलत करते रहो, उतना ही मिलेगा जितना आपकी किस्मत में लिखा है। इसका ये मतलब नहीं कि हुजूर ने तकरीर किया, दुकान जाकर लोग कर देना है, उतना मिलेगा जितना मिलना होगा, नहीं। मेरे भाइयों, अपना काम है मेहनत करना, अपना काम है ड्यूटी करना, और उसके बाद तवक्कल तो अल्लाह, ऐ अल्लाह मैंने दुकान खोल दिया, ऐ अल्लाह दुकान के सामान को मैंने सजा दिया, ऐ अल्लाह मैंने टाइम पर दुकान को खोल कर और मैं यहाँ हाजिर हो गया, अब कस्टमर को भेजना, ऐ अल्लाह ये आपके कब्जे में है, आप चाहेंगे तो कस्टमर आएगा, आप नहीं चाहेंगे तो कस्टमर नहीं आएगा। मेरे भाइयों, तो सभी की मोहब्बत अगर दिल में पैदा करना चाहते हैं तो एक नंबर काम जो करना है वो क्या है, सच बोलना है। बात लंबी हो गई, सच बोलना है और सच्चाई को अपनी जिंदगी में इस तरह से दाखिल करना। एक आखिरी रिवायत में सुनाकर अपनी बात को आगे बढ़ाता हूं। एक रिवायत में आया, बल्कि रिवायत से पहले, आज तो फरवरी की 14 तारीख है, इस महीने में और 14 दिन है, और अगला महीना मार्च का आएगा, 1.5 महीने के बाद अप्रैल का महीना आएगा। अभी से हमारे कितने नौजवानों ने प्लान बना लिया होगा, इन साल 1 अप्रैल अप्रैल फुल मनाना, झूठ बोलना है, और कैसे कैसे झूठ बोलना है उसका तरीका और सिस्टम अभी से बना रहा होगा, अभी से सिस्टम और तरीका बना रहा होगा। मेरे नौजवान साथियों, अल्लाह के प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, वैलुन वैलुन लिमन युहद्दिस फयकज़िब लियुज़हिका बिही अल-क़ौम वैलुन लहू वैलुन लहू। अल्लाह के प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, वो शख्स बर्बाद हो जाएगा, वो हलाक हो जाएगा,
सर्वनाश हो जाएगा, बिल्कुल खत्म हो जाएगा। कौन शख्स? आपने फरमाया कोई कोई आदमी अपनी बात को बोलता है, जबान से बात निकालता है और झूठ बोलता है। झूठ क्यों बोलता है? झूठ बोलता है लोगों को हंसाने के लिए, कॉमेडी करने के लिए। हाँ, झूठ बोलता है मजाक करने के लिए, लोगों को हंसाने के लिए झूठ बोलता है। अल्लाह के प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि सही माने में झूठ बोलना वो तो पाप है ही, उसके पाप होने में कोई शक शुबह और संदेह नहीं है। लेकिन जो आदमी कॉमेडी करने के लिए, लोगों को हंसाने के लिए झूठ बोलता है, अल्लाह ताला के यहाँ उसकी भी हलाकत है, बर्बादी है। और वह जहन्नम के अंदर एक जगह का नाम है जहाँ सबसे ज्यादा अजाब होगा, सबसे ज्यादा शास्ति की जगह होगी। झूठ बोलने वाले को उसी जगह में डाला जाएगा। इंशाअल्लाह आज के बाद से हम लोग पूरी कोशिश करेंगे कि इंशाअल्लाह हमेशा सच बोलेंगे। कोशिश होगी इंशाअल्लाह। नबी की मोहब्बत को पैदा करने का एक काम। दूसरा काम जिससे नबी की मोहब्बत पैदा होगी, दूसरा काम है वल्युअद्दी अमानतहु इज़ा तुमिना, वल्युअद्दी अमानतहु इज़ा तुमिना, कि अमानतदारी में खयानत नहीं करना, अमानत में खयानत नहीं करना है। अमानत का मतलब क्या है? अमानत का सादा सा सिंपल जो मतलब है, जिसको हम सब लोग जानते हैं, एक आदमी के पास कुछ रुपया पैसा था, सोना चांदी था, उसको डर लग रहा था कि मैं अपने घर में रखूंगा, चोर आएगा, डकैत आएगा, चोरी करके ले जाएगा, कोई बदमाश आएगा और मेरे घर से माल लेकर चला जाएगा। तो आपने क्या किया? एक आरसीसी बिल्डिंग वाला आपका पड़ोसी था, उसके पास गए और जाकर आपने अपना पैसा अमानत के तौर पे उसके पास रख दिया। इसको बोलते हैं अमानत। बड़े बड़े उलमाए किराम यहाँ मौजूद हैं, हजरत इमाम साहब दामत बरकातुहु मौजूद है, अच्छी तरह से वो बताएंगे आपको और बताए होंगे। वो कहेंगे कि अमानत का मसला यह है कि जो पैसा, जो माल, हत्ता के जो नोट उसने दिया है, फिक्स तौर पर वही नोट उसको रिटर्न करके देना है। 500 का नोट है, चार नोट है 500 का, और हमारे पास 2000 का नोट है। हमने सोचा कि ये भी 2000 है और हमारा वाला नोट भी 2000 है, चलो इसका 500 का चार नोट ले लेते हैं और उसकी जगह पर 2000 का नोट रख देते हैं। ये भी पूरी पूरी अमानत नहीं है, बल्कि ये भी एक तरह की खयानत है, इसकी भी शरीयत ने इजाजत नहीं दी। तो ये है एक अमानत। अमानत में खयानत नहीं करना, अमानत का सादा और सिंपल मतलब तो यही है। लेकिन मेरे नौजवान साथियों, मेरे भाइयों, बुजुर्गों और दोस्तों, हम और आप मुसलमान हैं, हमारा और आपका दीन, हमारी और आपकी शरीयत किसी इलाके के लिए, किसी एक जोन के लिए नहीं, बल्कि तो ये वर्ल्ड वाइड पूरी दुनिया के लिए, पूरे आलम के लिए ये दीन और ये शरीयत है। उस हिसाब से अमानत का मफहूम और अमानत का मतलब कुरान करीम ने बयान किया। और वो क्या है? कुरान कहता है इन्ना अरदनल अमानता अलस समावाति वल अर्दी वल जिबाल फअबैना अन यहमिलनहा वहमलहल इंसान फअबैना अन यहमिलनहा वअशफक़ना मिनहा वहमलहल इंसान। अल्लाह ने फरमाया कि मैंने अमानत को आसमान के हवाले किया। आसमान इतना बड़ा है, इतना बड़ा है, आसमान से कहा ए आसमान, ये मेरी अमानत है, तुम इसको संभाल लो, तुम अपने पास रखो। आसमान ने कहा ए अल्लाह, मुझे बहुत डर लगता है, मैं अमानत को अपने पास नहीं रख सकता, अमानत में खयानत हो जाएगी, अमानत रखने की मेरे अंदर पावर और शक्ति नहीं है। बाद में जमीन से कहा ए जमीन, तू इतनी मजबूत है, इतना शक्तिशाली है, तू मेरी अमानत को समझ ले। जमीन ने भी यही जवाब दिया ए अल्लाह, मैं आपकी अमानत को बर्दाश्त नहीं कर सकता।
पहाड़ से कहा, ऊंचे ऊंचे पहाड़, कितना शक्तिशाली और मजबूत पहाड़। पहाड़ ने भी कहा, मुझे डर लगता है, मैं आपकी अमानत को नहीं रख सकता, मैं उसका बोझ बर्दाश्त नहीं कर सकता। बाद में मानव जाति से, इंसानों से कहा, ए इंसान, ए अशरफुल मखलूकात, मेरी एक अमानत है, मैं चाहता हूं कि तुम उसको अपने पास रखो। वहमलहल इंसान, इंसान ने कहा, ए अल्लाह, होगा, आपकी अमानत को मैं अपने सर पर लेता हूं, मैं अमानत में खयानत नहीं करूंगा, आपकी अमानत को 100% अदा करूंगा। तो हम इंसानों ने अल्लाह की अमानत का बोझ उठाया है। ये अमानत क्या है? ये अमानत है, मुफस्सिरीन ने कई तरह की बात लिखी है, उनमें से एक बात यह है कि जब अल्लाह ताला ने मानव जाति को, इंसानों को, बल्कि दुनिया को पैदा नहीं किया था, उस टाइम में अल्लाह ताला ने हजरत आदम अलैह, बल्कि जब जन्नत में हजरत आदम अलैहिस्सलाम आ गए थे, हजरत आदम अलैहिस्सलाम के पीठ पर और पुष्ट पर अपने दाहिने हाथ को मारा। जन्नत में वहां एक जगह है जिस जगह का नाम है वादिये नोमान। वादिये नोमान एक जगह है, एक प्लेस है। हजरत आदम अलैहिस्सलाम को वहां पर लाया और उनके पीठ पर अल्लाह ताला ने दाहिने हाथ से मारा और फिर उसके बाद बाएं हाथ से मारा। कयामत तक जितने इंसान, मर्द औरत पैदा होने वाले हैं, सब के सब आदम अलैहिस्सलाम के पुष्ट से, पीठ से निकलकर और वहां पर आ गए। छोटी छोटी शक्ल में आए होंगे। तमाम इंसानों के सामने अल्लाह ताला ने एक प्रश्न रखा, एक सवाल रखा। कुरान करीम ने इस घटना को बयान किया। अल्लाह ताला ने कहा, अलस्तु बिरब्बिकुम, ऐ मानव जाति, ऐ इंसानों, क्या मैं तुम्हारा रब नहीं हूं? क्या मैं तुम्हारा रब नहीं हूं? सबने मिलकर कहा, चाहे वो मुसलमान हो, चाहे वो हिंदू हो, चाहे वो क्रिश्चियन हो, चाहे वो बुद्धिस्ट हो, चाहे वो यहूदी हो, दुनिया के जितने इंसान थे, सबने मिलकर कहा, बला, ऐ अल्लाह, बिला शक को शुबा, कोई शक नहीं, कोई शुबा नहीं, कोई संदेह नहीं, आप हमारे रब हैं। ये जो हमने और आपने अल्लाह को रब माना, अल्लाह को अपना खालिक पैदा करने वाला, अल्लाह को अपना मालिक और अल्लाह को अपना इलाह यानी माबूद माना, हमने और आपने वहां पर कहा था, ऐ अल्लाह, आप जैसा कहेंगे वैसा ही चलेंगे, कुरान और हदीस जो रास्ता दिखलाएगा उसी रास्ते पर चलेंगे। तो ये जो हमने और आपने वादा किया था, ये है अल्लाह की अमानत। अब हमने वहां वादा किया कि हम नमाज पढ़ेंगे, रोजा रखेंगे, दीन का काम करेंगे, ज़कात देंगे, सदका खैरात करेंगे, नेकी की बात सुनेंगे, दावत तबलीग का काम करेंगे, सारे दीन का, नेकी का काम करने का वादा किया। ये अमानत हमने अपने सर पर लिया। इस दुनिया में आने के बाद हम और आप कितना अमानत को अदा कर रहे हैं, ये अब हर किसी को देखना है। एक अमानत ये है। एक दूसरी अमानत किसी को थोड़ा और शॉर्ट करते हैं। अल्लाह की एक अमानत है हमारे और आपके पास, और वह है क्या? हमारा और आपका मजहब, हमारा और आपका धर्म, हमारी और आपकी शरीयत, हमारा और आपका दीन यानी मजहब इस्लाम। ये इस्लाम किसी इलाके के लिए नहीं आया। जैसे यहूदी, इसराइल में जो लोग हैं उस कौम को यहूदी कहा जाता है। यहूदी कौम का फार्मूला है, यहूदी कौम का ये सिस्टम है कि यहूदी वही होगा जो यहूदी के यहां पैदा होगा, यहूदी के घर में पैदा होगा उसको यहूदी कहा जाएगा। एक मुसलमान नऊज बिल्ला अगर अपना धर्म छोड़कर वो यहूदी बनना चाहे, यहूदी नहीं हो सकता। एक क्रिश्चियन अपने क्रिश्चियनिटी को छोड़कर अगर यहूदी बनना चाहे, वो यहूदी नहीं हो सकता। इस्लाम ऐसा मजहब नहीं है।
بلکہ اسلام تو پوری دنیا کے لیے اللہ نے بھیجا ہے تو ایک امانت ہے ہمارے اور آپ کے پاس ہماری شریعت ہمارا مذہب ہمارا دین یعنی کہ مذہب اسلام مذہب اسلام اور مذہب اسلام کی امانت کا تقاضا کیا ہے مذہب اسلام کی امانت کا تقاضا یہ ہے کہ اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اپنا آخری حج کیا حجت الوداع کے موقع پر آپ نے ایک بھاشن دیا ایک سپیچ دیا ایک تقریر کی اور صحابہ کرام کے سامنے کچھ باتوں کو بیان کرنے کے بعد آپ نے اپنے صحابہ کرام سے یہ کہا تھا کہ بتاؤ میں نے اللہ کے میسج کو اللہ کے پیغام کو 100% تم لوگوں تک پہنچایا یا نہیں پہنچایا حل بلکتو کیا میں نے اللہ کے پیغام کو تم لوگوں تک پہنچا دیا یا میں نے اس میں سے کچھ چھپا کر نکا کر اپنے پاس رکھ لیا تمام کے تمام صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین نے کہا تھا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے 100% اللہ کا پیغام ہم لوگوں کو پہنچا دیا اس موقع پر اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جو شہادت کی انگلی ہے اس کے بغل میں یہ جو انگلی ہے آسمان کی طرف اٹھایا اور تین مرتبہ کہا اللہم اشہد اللہم اشہد اللہم اشہد اے اللہ میں آپ کو گواہ بناتا ہوں اے اللہ میں آپ کو ساکھی بناتا ہوں اے اللہ میں آپ کو ساکھی بناتا ہوں تین مرتبہ یہ کہا اور اس کے بعد کہا الا فلیبلغ الصاحب الغائب الا فلیبلغ الصاحب الغائب الا فلیبلغ الصاحب الغائب خبردار یہاں جتنے لوگ موجود ہیں تقریباً 124,000 صحابہ کرام تھے 124,000 صحابہ کرام حجت الوداع کے موقع پر تھے ان سب سے کہا کہ تم لوگوں نے اللہ کے پیغام کو اللہ کے میسج کو سن لیا اب سننے کے بعد اپنے پاس نہیں رکھنا ہے بلکہ تم اللہ کے اس پیغام کو اور اس میسج کو لے کر دنیا کے کونے کونے میں پہنچاؤ دنیا کے کونے کونے میں پہنچاؤ میرے بھائیو تاریخ کی کتابوں میں آتا ہے ہسٹری کی کتابوں میں پڑھنے کو ملتا ہے کہ صحابہ کرام جو مدینے میں رہتے تھے پانچوں وقت کی نماز اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی امامت میں پڑھتے تھے مسجد نبوی میں ادا کرتے تھے انہوں نے مسجد نبوی کی نماز کو چھوڑا اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی امامت کو چھوڑا اور اپنا اوڑھنا بچھونا لے کر اللہ کے راستے میں نکل گیا مدینے سے نکل کر کوئی چائنا پہنچا کوئی سندھ پہنچا کوئی افریقہ پہنچا کوئی روم اور اٹلی پہنچا اور پوری دنیا میں اللہ کے پیغام کو لے کر گھر 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 انہوں نے قرآن کے میسج کو اور پیغام کو پہنچایا یہی وجہ ہے میں ایک دو گھٹنا اور وہ بھی بہت بار کا گھٹنا میں آپ کو سناؤں کہ دین کیسے پھیلا اسلام کیسے پھیلا جلسہ کیا ہے آپ لوگوں نے کتنا خرچہ کیا آپ لوگ بہت دھیان سے سن رہے ہیں پڑھے لکھے لوگ ہیں اللہ نے آپ لوگوں کو سوچنے کی سمجھنے کی صلاحیت دی ہے ملک کے حالات کو اپنے دیش کے سچویشن کو اپنے سامنے رکھ کر اور میری بات کو سنیے اور اللہ کے واسطے عمل کی نیت سے سنیے تاریخ کی کتابوں میں آتا ہے اسلام کے قریب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے گزر جانے کے 500 سال کے بعد بغداد عراق کا جو سینٹر عراق کی راجدھانی بغداد وہاں پر دشمنوں نے حملہ کیا اور وہ ایک قوم ہے جس کو تاتار بولا جاتا ہے ہلاکو خان چنگیز خان کتابوں میں واقعہ لکھا ہوا ہے اتنے مسلمانوں کو قتل کیا اتنے مسلمانوں کو قتل کیا کہ بغداد کے بغل میں جو بڑی سی ندی بہتی ہے دریا بہتا ہے اس دریا کا پانی مسلمانوں کے بلڈ سے مسلمانوں کے خون سے لال ہو گیا سرخ ہو گیا لاکھوں لاکھ مسلمانوں کو ان لوگوں نے قتل کیا شہید کیا
उसी जमाने का एक घटना है। बादशाह का लड़का एक दिन अपने घोड़े पर सवार होकर और टूर करने के लिए, घूमने के लिए, तफरी करने के लिए निकला। एक उसके साथ में उसका कुत्ता भी था। एक मैदान में पहुंचा, वहां जाकर देखा कि एक बूढ़ा आदमी है, कुर्ता पाजामा या जुब्बा, दाढ़ी टोपी है, मुसलमान है। तो बादशाह के लड़के ने गुरूर और तकब्बुर के साथ उसको बुलाया और कहा, अरे बुट्टे इधर आ, ए बुट्टे इधर आ। वो आए और आकर उनके सामने खड़ा हुआ। उस लड़के ने, नौजवान लड़के ने गुरूर से, तकब्बुर से कहा, ए बुड्ढा बता, तू अच्छा है या मेरा कुत्ता अच्छा है, तू अच्छा है या मेरा कुत्ता अच्छा है। अगर मुझ जैसा मौलवी होता जिसका खून ब्लड गर्म है, 3-4 थप्पड़ लगा देता। तू क्या पूछ रहा है, मैं इंसान हूं, ये तेरा कुत्ता है, नापाक है, छूंगा तो नापाक हो जाऊंगा, चाहे क्या तू प्रश्न कर रहा है। लेकिन उस बुजुर्ग ने जवाब दिया, गौर से सुनिएगा, अपने मुल्क के सिचुएशन और हालात की रोशनी में सुनिएगा। उन्होंने कहा कि मेरे भाई, तेरा कुत्ता अच्छा है या मैं अच्छा हूं, मैं तो अभी नहीं बता सकता, इसका रिजल्ट तो बाद में आएगा। अगर मेरी मौत ईमान पर हो जाए, कलमे वाली मौत अगर अल्लाह मुझको दे दे, कलमा पढ़ते हुए अगर मेरी मौत आए, तब तो यकीनन मैं तुम्हारे कुत्ते से अच्छा हूं। इसलिए कि कलमे पर मौत होगी तो जन्नत में जाऊंगा, और तेरा कुत्ता मरने के बाद उसको मिट्टी बना दिया जाएगा, कयामत में न जन्नत में न जहन्नम। और अगर खुदा न खास्ता मरने के वक्त कलमा नसीब नहीं हुआ, मरने के वक्त अगर मुझको कलमा पढ़ने की तौफीक नहीं मिली और गुनाह के काम में मुलव्वस और मुब्तला होकर पाप का काम करते हुए अगर मैं इस दुनिया से गया, तब तो मैं कहूंगा कि मुझसे अच्छा तेरा कुत्ता है, मुझसे अच्छा तेरा कुत्ता है, कि मुझको जहन्नम में जाना पड़ेगा और तेरा कुत्ता तो कम से कम जहन्नम में नहीं जाएगा। उस नौजवान ने जब ये सुना तो उसको बड़ा ताज्जुब, आश्चर्य हुआ कि मैंने आपको गुस्सा दिलाने के लिए ये प्रश्न किया था, लेकिन आपको कोई गुस्सा नहीं आया, और कितना सुकून के साथ, एक बड़े सुकून के साथ आपने मेरे प्रश्न का उत्तर दिया। मेरे नौजवान साथियों, रुक कर मैं आपको ये बतला दूं, अपने मुल्क का जो हाल है, जो सिचुएशन है, सामने इलेक्शन है, आपके शहर में, आपके टाउन में हो सकता है कुछ खास पार्टी के नौजवान लड़के आपको गुस्सा दिलाने के लिए, आपके खून को गर्म करने के लिए कभी आपको पाकिस्तानी कर दे, कभी आपको लाडेट कर दे, कभी आपके दाढ़ी को ठोकर मजाक उड़ाए, कभी आपके टोपी का मजाक उड़ा दे, कभी आपके कुर्ते का मजाक उड़ा दे, कभी आपको आईएसआई का लीडर बतला दे। मेरे नौजवान साथियों, आप बर्दाश्त कर लीजिएगा, जज्बात को कंट्रोल में रखिएगा और वो काम कीजिएगा जो उस बूढ़े आदमी ने, उस बुजुर्ग ने किया। उस बुजुर्ग ने कहा कि तुमने तो गुस्सा दिलाने के लिए ये काम किया, लेकिन मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अखलाक और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कैरेक्टर मैं अपने अंदर पैदा करने की थोड़ी सी कोशिश कर रहा हूं। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को एक सहाबी ने पूछा, ए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप मुझको नसीहत कीजिए, आप मुझको एक नसीहत कीजिए, एक अच्छी बात बताइए। और देखिए, आप लंबी मत बताइएगा, बिल्कुल छोटी सी बात बताइए कि मैं उस पर अमल कर सकूं। एक सहाबी है और सामने नबी है और कह रहे हैं नसीहत कीजिए, और ये शर्त लगा रहे हैं कि नसीहत कीजिए लेकिन शॉर्ट होना चाहिए, मुख्तसर होना चाहिए। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ला तग़ज़ब, गुस्सा मत करो, गुस्सा मत करो। फिर कहा, अल्लाह के रसूल नसीहत कीजिए, और बिल्कुल शॉर्ट। कहा, ला तग़ज़ब, गुस्सा मत करो। 3 मरतबा यही कहा, 3 मरतबा। तो उस बुजुर्ग ने कहा कि मैं अपने आका
सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इसी कैरेक्टर को और आपके इसी अखलाक को अपने अंदर पैदा करने की कोशिश कर रहा हूँ, गुस्सा को पीने की मैं कोशिश कर रहा हूँ और अपने जज्बात को कंट्रोल में रखने की मैं मस्त और ट्रेनिंग कर रहा हूँ। उस नौजवान को सुनकर बड़ा अच्छा लगा, कहा क्या आपके नबी ने ये बात भी आपको सिखलाया है? अरे ये बात क्या, मेरे प्यारे आका ने तो मुझको इस्तिंजा करने का भी सिस्टम बताया, खाने का भी तरीका सिखलाया, चलने का भी तरीका सिखलाया, सारी बातें मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमको सिखाई है। तो उस नौजवान ने उस बूढ़े से कहा कि मेरा जो बाप अभी जो हाकिम है, राजा है, वो बिल्कुल अपनी जिंदगी के लास्ट स्टेज में है, बहुत जल्द वो दुनिया से चला जाएगा, बाद में मैं इस देश का राजा बनूंगा, जब मैं राजा बनूंगा तो आप मेरे पास आइएगा और आकर मुझको ये घटना याद दिलाइएगा, मैं फिर उस टाइम में आपसे कुछ दिल की बात करूंगा, अपने अंदर की अंतर की बात करूंगा। राजा का बेटा भी अपना घर गया, बूढ़ा भी अपना घर गया, जाने के बाद राजा मर गया और राजा के मरने के साथ साथ वो बूढ़ा भी मर गया, किंतु बूढ़ा ने मरने से पहले अपने बेटे को एक लेटर लिख कर दिया था और ये कहा था कि देखो ये लेटर है, जब राजा का बेटा राजा बन जाएगा तो ये लेटर लेकर तुम उसके पास जाना। जब वो नौजवान बादशाह बन गया और देश का प्रधानमंत्री या देश का वो सदर बन गया, वहां का प्रेसिडेंट बन गया, तो उस बुजुर्ग का लड़का वो खत लेकर, चिट्ठी और लेटर लेकर दरबार में पहुंचा। लोगों ने अंदर जाने नहीं दिया, कहा देखो भाई अगर जाने नहीं देते हो, मेरे पास एक लेटर है, ये लेटर तुम प्रेसिडेंट को जाकर, हाकिम को जाकर दे दो। उन्होंने गेटमैन ने जाकर वॉचमैन ने दे दिया, उन्होंने लेटर को पढ़ा, उसी बूढ़े का वो खत था, बतलाया था कि मैं मर रहा हूँ, मैं तो नहीं जा सकूंगा, मेरा बेटा जाएगा और जो बात करनी है मेरे बेटे से कर देना। ये एक वाकया मैंने बतलाया, इसको आप जहन में रखिए, भूलना नहीं है। थोड़ा एक और घटना छोटा सा है, उसको मैं इसके साथ जोड़कर फिर मैं आपको रिजल्ट बतलाऊंगा। दूसरा घटना यह है कि उस मुल्क में, उस शहर में जब मुसलमानों को कत्ल किया, लाखों लाख मुसलमानों को कत्ल किया, तो मुसलमान लड़कियों को, नौजवान लड़कियों को, खूबसूरत खूबसूरत लड़कियों को उन लोगों ने, तातारियों ने पकड़कर अपने घर में लाया और उसको अपने घर की खादिमा, नौकरानी बनाया, जैसे घर में काम करने वाली औरत होती है उसी तरह से उन लोगों को झाड़ू देने के लिए, पोछा मारने के लिए, खाना बनाने के लिए, सफाई करने के लिए, ये सब काम के लिए उन लोगों को रखा। ये मुसलमान औरतें थी, वो मुसलमान औरतें जब तातारियों के जालिम के घर में आई तो उन्होंने, तातारी जो औरतें लेडीज थी, घर की जो मलका थी, घर की जो मालिक थी, उनको बुलाया और बुलाकर कहा कि देखिए आप इस घर की क्वीन हैं, आप इस घर की रानी हैं, आप इस घर की मलका हैं, मैं आपकी खिदमत के लिए हूँ, आप जो भी काम करने के लिए कहिएगा मैं सारा काम करने के लिए तैयार, सुबह से लेकर शाम तक जितना काम करवाना है, आप मेरी आंटी है, आप मेरी अम्मी है, आप मेरी खाला है, मैं आपका सारा काम करने के लिए तैयार, किंतु आपके पास एक रिक्वेस्ट और एक दरखास्त, ऐ मेरी नौजवान बहनों, ऐ मेरी नौजवान माओ, सुनो, ध्यान से सुनो। वहां की लड़कियों ने जब उनको घर में कैद करके लाया गया, नौकर बनाकर लाया गया, तो उन्होंने घर की औरत से क्या रिक्वेस्ट किया, कहा मैं 24 घंटा आपकी खिदमत करूंगी, लेकिन आप अपने लड़के को समझा दीजिए, घर के मर्द को समझा दीजिए कि अल्लाह के वास्ते वो मेरे शरीर के साथ, मेरे बदन के साथ वो छेड़छाड़ नहीं करेगा, मेरे साथ गलत काम नहीं करेगा, मुझको अपनी बहन समझेगा, मुझको अपनी बहन समझकर, अपनी बेटी समझकर, अपने भाई की बेटी समझकर और मेरे साथ सलूक व्यवहार करेगा। घर की औरतों ने अपने घर के मर्दों को समझा दिया कि देखो ये औरत है, ये लड़की है,
मुसलमान की बेटी है, ये नेक लड़की है, ये सब काम करेगी, पूरा ड्यूटी करेगी, तुम इसको गलत निगाह से मत देखना, तुम इसके साथ हकी मजाक मत करना, तुम इसके बदन को मत छूना, तुम इसके साथ गलत नीयत भी मत करना। गलत काम करना तो दूर की बात, कभी गलत नीयत से भी मत देखना। ये हुआ। अब क्या है, सुबह से लेकर शाम तक वो मुसलमान लड़कियां खिदमत करती थी, रात के टाइम में जब सोने के लिए जाती थी बिस्तर पर, तो सोने से पहले वो नमाज पढ़ती थी, फजर जोहर असर मगरिब ऐसा जितनी नमाज कदा हो जाती नमाजें पढ़ती थी, और रात के तन्हाई में उठकर दुआएं करती थी, रो रो कर दुआ करती थी और कहती थी, ए अल्लाह, ए मेरे अल्लाह, ये जो तातारी लोग है, इस घर के जो फैमिली मेंबर है, कितने अच्छे लोग है, कितने अच्छे लोग है, ए अल्लाह, ये अगर चाहते तो मेरी इज्जत को लूट सकते थे, ए अल्लाह, ये अगर चाहते तो मेरे साथ गलत काम कर सकते थे, मेरे शरीर को वो अपने नाजायज काम के लिए इस्तेमाल कर सकते थे, ए अल्लाह, ये कितने अच्छे लोग है, इन्होंने मेरी तरफ निगाह उठाकर भी नहीं देखा, ए अल्लाह, इन्होंने मेरे साथ गलत काम नहीं किया, ये इतने अच्छे लोग हैं, इतने अच्छे लोग हैं, ए अल्लाह, जब ये इतने अच्छे हैं तो आप इनको ईमान की दौलत देकर और अच्छा बना दीजिए, ए अल्लाह, आप इसको कलमे की दौलत देकर और अच्छा बना दीजिए। वो रो रो कर दुआएं करती थी, घर की औरतें आती, कान लगाकर दीवार से और सुनती थी, उनको भी रोना आता कि देखो रात दिन ये काम करती है, थोड़ा सा टाइम मिलता है, नमाज पढ़ती है और ये मेरी हिदायत के लिए दुआ कर रही है, कितनी अच्छी लड़कियां हैं। तो हर घर की औरतें अंदर अंदर से उन मुसलमान लड़कियों का मुरीद बन गई थी और उन मुसलमान लड़कियों के दीन को अपने दिल में दाखिल कर लिया था। घर के अंदर में ये काम हुआ, ये घटना, और वो घटना जो मैंने सुनाया था उस घटना को फिर आप मिलाइए और उसके आगे आप पढ़िए। जब बादशाह ने, राजा ने उस लेटर को पढ़ा, उस खत को पढ़ा, तो उस बुजुर्ग के बेटे को बुलवाया और बुलाने के बाद कुरान हदीस की बहुत सारी बातें सुनी और सुनकर फिर ये कहा कि तुम्हारा मजहब इतना अच्छा मजहब है, तुम्हारी किताब, तुम्हारे नबी इतने अच्छे नबी थे, हमने भूल किया, हमसे गलती हुई कि हमने मुसलमानों को कत्ल किया, मुसलमानों की जान ली, और अपने एक मंत्री को बुलाया और कहा कि देखो ये लड़का है, मेरे पास ये लेटर लेकर आया है, हमारे बंगला का, हमारे बिल्डिंग का जो सबसे ऊपर वाला महल है, बिल्कुल सबसे ऊपर वाला जो फ्लोर है, छत के ऊपर, इसको ले जाओ, और वहां ले जाकर उस लड़के से कहा कि तुम यहां से अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अजान दो, और वहां से उन्होंने जब अजान दी तो आस पास के कितने तातारी जालिम लोग थे जिन्होंने अब तक लाखों मुसलमानों को कत्ल किया था, दौड़ कर और भाग कर आए, मर्द भी भाग कर आ रहे हैं, जवान भी भाग कर आ रहा है, घर की औरतें भी भाग कर आ रही है, ये क्या हो गया, ये कहां से कौन आया, कैसे यहां पर इस्लाम का कलमा पढ़ा जा रहा है, किसने कहा इसको अजान देने के लिए। जब बादशाह ने कहा कि मैं मुसलमान हो चुका हूं, मैंने कलमा पढ़ा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, और मैं इस्लाम में दाखिल हो चुका हूं, अब जो इस्लाम में दाखिल होगा वो इस मुल्क में रहेगा और जो नहीं दाखिल होगा उसको इस मुल्क से निकाल दिया जाएगा। एक टाइम में, चंद मिनट के अंदर, चंद घंटों के अंदर लाखों लाख लोगों ने कलमा पढ़ा और कलमा पढ़ के मुसलमान। इसी को अल्लामा इकबाल, जो बड़े कवि थे, बड़े शायर थे, उन्होंने बयान किया, एक शेर ने बयान किया और कहा, है आया, है आया, है आया अफसाने ऐसा, है आया फितने तातार के अफसाने से, है आया फितने तातार के अफसाने से, आत्मा मिल गया काबे को सनम खाने से। यानी ये तातारियों का घटना अगर तुम सुनोगे, इस तारीख को पढ़ोगे, तो तुमको मालूम होगा जो कल तक बुद्ध की पूजा करता था, देवी दुर्गा की पूजा करता था, मूर्ति की पूजा करता था, एक घंटे के अंदर, चंद मिनट के अंदर लाखों की तादाद में कलमा पढ़कर और काबे की, बैतुल्लाह की हिफाजत करने वाले और बैतुल्लाह के पूजे, बैतुल्लाह में नमाजें पढ़ने का अकीदा रखने वाले बन गए, यानी वो सब के सब मुसलमान बन गए।
मेरे नौजवान साथियों, अपने मुल्क के हालात को, यहाँ के सिचुएशन को सामने रखते हुए मैं कसम खाकर कहता हूँ, हजार मरतबा कसम खाकर कहता हूँ, हमारे और आपके समस्या का समाधान, हमारी और आपकी परेशानियों का हल अगर है तो सिर्फ और सिर्फ दावत के काम में है, दावत के काम में है। अपने अखलाक को नबियों वाला अखलाक बनाओ, अपने अखलाक को कुरानी अखलाक बनाओ, अपने अखलाक को हदीस वाले अखलाक बनाओ, कुरान पढ़ो, कुरान पढ़कर उसको समझो, अपनी जिंदगी में दाखिल करो, जज्बात को कंट्रोल करो, सब्र से काम लो। कौन कहता है हमारा मुल्क खराब है? मेरे भाइयों, मैं तो अभी भी कहता हूँ हमारा देश बहुत सारे इस्लामी कंट्री से अच्छा है। गैर इस्लामी नहीं, गैर मुस्लिम नहीं, बल्कि बहुत सारे इस्लामी कंट्री से अच्छा है। मैं आपको एक उदाहरण दे दूं अगर इजाजत हो तो। हम और आप जलसा कर रहे हैं, आपने जलसा करने के लिए एक छोटा सा एप्लीकेशन डाल दिया होगा थाना में, और आपको आसानी से क्या मिल गई? परमिशन मिल गया, माशाल्लाह। देखिए ये साहब बता रहे हैं कि परमिशन भी नहीं लिया, कितनी बड़ी बात है। जलसा कर रहे हैं, सब लोग यहाँ पर हैं, हिंदू मुस्लिम ईसाई क्रिश्चियन लोग भी होंगे, और हम लोग अपने दीन की बात आराम से कर रहे हैं। जगह जगह पर पोस्टर लगा हुआ है, जगह जगह पर लाइटिंग किए हुए हैं, माशाल्लाह। गैर मुस्लिम भी रास्ते से गुजर रहे हैं, वो भी देख रहे हैं, उनको भी अच्छा लग रहा है। लेकिन मैं आपको बताऊं, एक मुल्क है जिसको आप जानते हैं, बढ़िया से जानते हैं, गल्फ कंट्री, यानी के सात मुल्क, सात सूबा, सात स्टेट के साथ एक मुल्क है, दुबई, अबू धाबी, कुवैत, और क्या क्या है, सात कंट्री है। वहीं पर एक जगह है अजमान, मैं गया हूँ, बार बार गया हूँ, बिल्कुल इस्लामी कंट्री है। आप सुनिए कि वहां क्या होता है मुस्लिम कंट्री में, इस्लामी कंट्री में क्या होता है। हमारे यूपी के एक मौलाना है, मौलाना करीम सिद्दीकी साहब, आपके अपर आसाम डिब्रूगढ़ तिनसुकिया वगैरह में भी आया है, और हजारों लोगों ने उनके हाथ पे कलमा पढ़कर और मुसलमान हुए। उन्होंने खुद अपना एक घटना सुनाया, घटना ये सुनाया कि वहां पर उनको एक सेंटर बनाना था, दावा सेंटर, इस्लामिक सेंटर। बहुत मुश्किल से परमिशन मिला और एक रूम के अंदर इस्लामिक सेंटर खोलने की इजाजत मिली, परमिशन मिला एक रूम में, और उसके लिए महीनों उन्होंने कोशिश की, जहां जहां जाना था हर जगह पर गए। अच्छा, परमिशन मिल गया, दावा और इस्लामिक सेंटर बन गया। बनने के बाद वहां दरवाजे पर, गेट पर एक वहां बोर्ड लगाना था, नाम लिखना था, तो हुकूमत ने कहा कि आप वहां एक बोर्ड लगा सकते हैं, लेकिन उसका साइज इतना बारी इतना होगा, इतना साइज होगा, उससे बड़ा भी नहीं होना चाहिए, उससे छोटा भी नहीं होना चाहिए, और उसमें जो कलर होगा, लिखने का जो कलर होगा, उस कलर को भी फिक्स कर दिया, कोई दूसरा कलर नहीं होना चाहिए। ये कहां की बात बता रहा हूं मैं, यूरोप कंट्री की, यूरोप कंट्री की बता रहा हूं, अफ्रीकी कंट्री, क्रिश्चियन यहूदी की बात बता रहा हूं, नहीं, इस्लामी कंट्री की बात बता रहा हूं। तो क्या कहा, इतना बार इतना होना चाहिए, उसका कलर ऐसा होना चाहिए। परमिशन मिल गया, मिलने के बाद जो लोग थे उन लोगों ने बोर्ड लगाया उसी साइज का, लेकिन कलर में थोड़ा सा डिफरेंस हो गया, थोड़ा सा डिफरेंस हो गया। तो वहां के जो सुरती है, पुलिस वाले हैं, वो घूमते घूमते उधर आया, उन्होंने देखा कि इसको लाइसेंस मिला है या नहीं मिला है, लाइसेंस चेक किया, उसके बाद देखा कि बोर्ड जो लगा हुआ है उसमें क्या कलर है, देखा कि ये, अरे ये तो गलत कलर दे दिया, जिस कलर का परमिशन है वो कलर नहीं है। तो बाद में उस जो सेंटर के, इस्लामिक सेंटर के जो ओहदेदार थे, जो जिम्मेदार थे, जो बड़े आदमी थे, उनको बुलाया और कहा किसी टाइम में इस बोर्ड को यहां से उतारो, नहीं तो तुम्हारा लाइसेंस खत्म कर दिया जाएगा, लाइसेंस खत्म कर दिया जाएगा। ये परेशानी है कहां की, इस्लामी मुल्क की। बताइए क्या इस तरह की परेशानी
क्या इस तरह की उलझन हमारे और आपके देश में अब तक आई है? बताओ भाई, आई है नहीं आई है? अल्लाह का करम है कि ऐसी परेशानी नहीं आई है। और आप जैसे लोग जब तक दीन का काम करते रहेंगे, इंशाअल्लाह अपने अखलाक को सही बनाकर हम और आप रखेंगे, तो कभी भी हमारे इस देश में इस्लाम और मुसलमानों पर परेशानी नहीं आएगी। और अगर हल्की फुल्की आ रही है, हम दुआ करते हैं, हम सबर करते हैं, अल्लाह के सामने अपनी परेशानी को पेश करते हैं, अल्लाह ताला हम सबकी परेशानी को दूर फरमाएगा। तो दूसरी बात मैं जो बता रहा था, वल युअद्दी अमानतहू, अल्लाह की बहुत बड़ी अमानत हमारे और आपके पास है। हमारा और आपका दीन, इस अमानत का तकाजा यह है कि हम पूरे हिंदुस्तान के अंदर इस दीन को फैलाएं। अगर नहीं जा सकते हैं, नहीं जा सकते हैं, तो दुआ करें, रात को उठकर दुआ करें, नाम ले लेकर दुआ करें, अपने इस स्टेट के जो बड़े बड़े मंत्री मिनिस्टर है उनका भी नाम लेकर दुआ करें। ऐ अल्लाह उन लोगों को भी हिदायत दे दीजिए, ऐ अल्लाह उनको भी सही रास्ता दिखला दीजिए। क्या अल्लाह के प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस्लाम के दुश्मन अबू जहल का नाम लेकर और इस्लाम की दावत नहीं दी थी? क्या आपने उनके मुसलमान होने की दुआ नहीं की थी? हजरत उमर रजी अल्लाह तआला अनु मुसलमान नहीं हुए थे, लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नाम ले लेकर उनके मुसलमान होने की दुआ करते थे। हम और आप भी जब नाम ले लेकर दुआ करेंगे, किसी न किसी के हक में तो अल्लाह दुआ कबूल फरमाएगा, किसी न किसी के हक में तो दुआ कबूल करेगा। इसलिए ये एक और सुन्नत है, इस सुन्नत को भी अपनी जिंदगी में हम और आप दाखिल करें। कोई पैसा नहीं, कोई टाका माल नहीं लगेगा, कोई परेशानी नहीं, कोई टेंशन नहीं। जब दुआ करते हैं, नाम ले लेकर हिदायत के लिए दुआ करें, अल्लाह दुआ को कबूल फरमाए। 7:30 बजे बतलाए दुआ होनी है, शायद 15 मिनट बाकी है। एक तीसरी बात जो रह गई है, मैं शौक में उसको बयान करके और अपनी बात खत्म कर दूं। अल्लाह के प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगर मेरी मोहब्बत और अल्लाह की मोहब्बत अपने दिल में पैदा करना चाहते हो तो 3 काम करो। नंबर 1 सच बोलो, नंबर 2 अमानतदारी का ख्याल करो, अमानत में खयानत मत करो, और 3रा काम जो करने के लिए बताया, वल युहसिन जिवार मन जावार, अपने पड़ोसी के साथ अच्छा सलूक करो, अपने पड़ोसी के साथ अच्छा सलूक, अच्छा व्यवहार करो। पड़ोसी किसको कहा जाता है? पड़ोसी 3 तरह के होते हैं। एक पड़ोसी वो है हमारे और आपके घर के आसपास में जिन लोगों का घर है वो पड़ोसी है हमारे। अब वो हो सकता है कि वो मुसलमान भी है और हमारा रिश्तेदार भी है। हमारा भाई का घर हमारे घर के बगल में है, वो हमारा पड़ोसी है। हमारे चचा का घर हमारे घर के बगल में है, वो हमारा पड़ोसी है। तो एक पड़ोसी वो होता है जो रिश्तेदार भी होता है और मुसलमान भी होता है। दूसरा पड़ोसी वो होता है जो मुसलमान होता है, रिश्तेदार नहीं होता। हमने अपना बाप का जहां पर घर था वहां से हटकर दूसरी जगह टाउन में जाकर अपना घर बनाया, बारी बनाया, वहां मुस्लिम आबादी है, मुस्लिम मोहल्ला है, लेकिन एक आदमी नापती से आकर घर बनाया, एक आदमी ने गेलकी से आकर घर बनाया, एक आदमी ने तिनसुकिया से आकर घर बनाया, अलग अलग जगह से आकर और वहां पे एक नया गांव और नया समाज बनाया। वो सब हमारे पड़ोसी है, अगरचे वो लोग हमारा रिश्तेदार नहीं है, वो भी पड़ोसी है। पड़ोसी की एक तीसरी किस्म है कि हमारे बगल में, हमारे घर के साइड में, आगे आगे पीछे दाएं बाएं कौन है? गैर मुस्लिम। गैर मुस्लिम है, हो सकता है हमारा हिंदू भाई हो, हमारा क्रिश्चियन भाई हो, यहूदी भाई हो, बुद्धिस्ट हो, कोई भी हो सकता है, हमारे घर के बगल में उसका घर है, हमारा रिश्तेदार भी नहीं और वो मुसलमान भी नहीं, गैर मुस्लिम है। याद रखिए, वो भी हमारा, वो भी आपका पड़ोसी है। हमको अपने भाई के साथ जैसे पड़ोसी का हक अदा करना है, गैर मुस्लिम के साथ भी पड़ोसी होने का हक अदा करना वाजिब और जरूरी है। ये सोच करके वो तो गैर मुस्लिम है, वो हिंदू है, वो हमारा दुश्मन है,
खबरदार खबरदार, ये कभी मत सोचिए इस्लाम हमको इसकी तालीम नहीं देता है। हजरत अब्दुल्लाह इब्ने उमर रजी अल्लाह तआला इतने ऊंचे सहाबी, उनके घर के बगल में एक यहूदी का घर था और दुनिया में मुसलमानों का सबसे बड़ा दुश्मन और शत्रु यहूदी। हजरत अब्दुल्लाह इब्ने उमर रजी अल्लाह तआला उनके घर में एक बकरी ज़बह किया, मटन तैयार हुआ, गोश्त तैयार हुआ, तो अपने दोस्त को बुलाया और कहा कि ए मेरे दोस्त, ये मेरे घर के बगल में यहूदी का घर है, तुम ये गिफ्ट और ये हदिया का नाम लेकर उसके घर में भी लेकर जाओ। तो उसने कहा कि इब्ने उमर अल यहूदी असलहक अल्लाह, ए इब्ने उमर वो तो यहूदी है, अल्लाह तुम्हारा भला करे, इसका क्या किसी यहूदी को भी गिफ्ट दिया जाता है, क्या किसी यहूदी को भी हदिया दिया जाता है? तो अब्दुल्लाह इब्ने उमर रजी अल्लाह तआला ने फरमाया कि इस्लाम में पड़ोसी का हक इतनी ताकीद और इतनी मजबूती से बयान किया गया है। अल्लाह के प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि पड़ोसी के साथ अच्छा सलूक करने की अल्लाह ने इतनी ताकीद की और इतना शक्तिशाली हिसाब से कहा। मुझे ऐसा लग रहा था कि हमारे माल के अंदर, हमारे मीराथ के अंदर, जैसे हमारे बाप का, बेटे का, भाई का, बीवी का, बहन का हिस्सा होता है, ऐसा लग रहा था कि पड़ोसी का भी हिस्सा मीराथ में हो जाएगा। लेकिन हिस्सा तो नहीं दिया गया, मगर पड़ोसी के साथ खूब अच्छा सलूक करने का आदेश इस्लाम ने दिया है। मेरे नौजवान साथियों, अपने मुल्क के हालात की रोशनी में अपने पड़ोसी के साथ अच्छा सलूक कीजिए, अच्छा व्यवहार कीजिए। एक दुकानदार अगर गैर मुस्लिम है, उनके यहाँ जाते हैं, आपके पास आजकल तो मोबाइल का नेट का जमाना है, एक गैर मुस्लिम के साथ आपकी दोस्ती है, आप बिल्कुल फ्रेंडशिप, दोनों एक साथ चाय पीते हैं, एक साथ इधर उधर जाते हैं, कभी कभी अच्छी सी हदीस, एक हदीस लिख कर, कुरान की किसी आयत का मीनिंग इंग्लिश में आसानी में लिख कर, या कहीं के इमेज फोटो लेकर, और उसके बाद उसको व्हाट्सएप कर दो। खुदा की कसम, जब वो कुरान की बात को पढ़ेगा, हदीस की बात को पढ़ेगा, अच्छी बात को पढ़ेगा, तो उसकी दोस्ती और फ्रेंडशिप मजबूत होगा, दुश्मनी नहीं होगी। अल्लाह तौफीक देगा तो अच्छी बातों को पढ़ते पढ़ते, सुनते सुनते, एक दिन वो आपका दोस्त और आपके दीन में भी आ जाएगा, और अगर नहीं भी आएगा तो तुम्हारे और उनके दरमियान अगर कोई दूरी है, दुश्मनी है, अल्लाह उस दुश्मनी को और दूरी को खत्म कर देगा। अल्लाह तबारक व तआला इन तमाम बातों पर, कही सुनी बातों पर अमल की करने की तौफीक अता फरमाए। क्या देना है ना?